हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? आशा करते अच्छे होंगे। एंड एक बार आप सभी का फिर से वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बेटा डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सेकेंड, वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता, ठीक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में करीब इस चैप्टर में से 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं। 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन जो है इस चैप्टर में से पूछा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर के अंदर जितनी भी बारीक बारीक से कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं सबसे पहले कि वैद्युत विभवांतर और वैद्युत विभव होता क्या है और इसको क्यों डिफाइन किया गया है ना, और किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, इससे पहले चैप्टर फर्स्ट में हमने बेटा डिस्कस किया था वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर फर्स्ट के अंदर, है ना। वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत आवेश में हमने वैद्युत क्षेत्र डिस्कस किया था। देखो वैद्युत क्षेत्र जो है ना बेटा, इसको दो पार्ट में, जनरली हम इसको दो पार्ट में पढ़ते हैं, एक वेक्टर फॉर्म में, एक हम पढ़ते हैं सदिश रूप में, ठीक। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम वैक्टर फॉर्म। क्या बोला जाता भाई? इसको बोला जाता है वेक्टर फॉर्म, है। दूसरा हम पढ़ते हैं अदिश रूप में। ओहो बहुत सुंदर, अदिश रूप मतलब स्केलर फॉर्म, सॉरी फोर्स लिख दिया मैंने, स्केलर फॉर्म, ठीक। तो जो विद्युत क्षेत्र है दो पार्ट में स्टडी करते हैं हम इसको, एक सदिश रूप में करते हैं, एक हम अदिश रूप में करते हैं। सदिश रूप में हमने करा है, सदिश रूप में हमने इसको पढ़ा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, है ना, कैपिटल ई। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल ई, जो कि हमने चैप्टर फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था। डिफरेंट डिफरेंट चार्ज सिस्टम के लिए हमारे पास बहुत सारे चार्ज सिस्टम थे, तो उनके लिए हमने डिफाइन भी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। जैसे पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था, एक डायपोल के लिए निकाला था, एक गोलीय कोश के लिए निकाला था हमने, एक अनंत लंबाई के चादर तार के कारण हमने निकाला था, एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट किया था, ठीक। तो ये तो पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर, जिसमें हमने वैद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में देखा था, ठीक। अब देखेंगे हम चैप्टर सेकंड के अंदर कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वैद्युत क्षेत्र है, उसको अदिश रूप में कैसे देखा गया है, उसको अदिश रूप में कैसे पढ़ा गया है, है ना। तो अदिश रूप में हमने इसको पढ़ा है किसके फॉर्म में बेटा? इसको पढ़ा है विभव के रूप में या विभवांतर के रूप में, विभवांतर के रूप में, किसके रूप में? विभवांतर के रूप में, मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल। क्या बोलते भाई? पोटेंशियल। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं कि विभवांतर क्या होता है और विभवांतर को किस तरीके से परिभाषित किया गया है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैद्युत विभवांतर होता क्या है? देखिए वैद्युत विभवांतर बेसिकली इसको हमने डिफाइन किया, इसको परिभाषित किया कुछ इस तरीके से, हमने इसको परिभाषित किया कुछ इस तरीके से, देखिए समझिए। और ये भी हम डिस्कस करेंगे कि वैद्युत विभवांतर का एक्चुअल में मतलब क्या होता है या इसके द्वारा हम क्या जो है पता लगाते हैं। देखिए वैद्युत विभवांतर को हमने परिभाषित किया कि मान लेते हैं कहीं एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है भाई? एक विद्युत क्षेत्र है, मान लेते हैं यहां पे एक विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, ये एक विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र है ई। क्या है भैया? एक समान विद्युत क्षेत्र है यहां पर ई, है ना। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर मान लेते हैं दो बिंदु है,
एक है यहाँ पे बिंदु ए और एक है यहाँ पे बिंदु बी, बिंदु ए और बिंदु बी। हमने कहा मान लो इस बिंदु बी पर एक कूलम का आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे एक परीक्षण धनावेश रखा हुआ है, कितना? एक कूलम का। कहाँ पे रखा है? बी पे रखा है, ठीक। तो अगर बी बिंदु पर एक कूलम का धनावेश रखा हुआ है तो सिंपल सी बात है, अगर प्लस का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा, इस पर एक बल लगाएगा इस दिशा में, F इज इक्वल टू क्यू नॉट इन टू ई, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में जब भी किसी आवेश को रखा जाता है तो आवेश क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है। तो यहां पे भी ये वाला आवेश जो क्यू नॉट है ये भी एक बल का अनुभव करेगा। तो अगर आप सोच के देखिए बेटा एक बार के लिए कि अगर मैं यहां पे इस परीक्षण धनावेश को छोड़ दूं बी पॉइंट पे तो क्या होगा, तो ये क्योंकि बल का अनुभव करेगा, इस पे एक बल लगेगा और उस बल के कारण ये जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में कहां चला जाएगा, वो आगे की तरफ गति कर जाएगा, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में चला जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो आवेश है ना वो बी से ए पर आ जाए। हम चाहते हैं कि जो यहां पे एक धनावेश रखा हुआ है ये धनावेश बी से उठ के कहां पर आ जाए, ए पर आ जाए। अगर वो बी से ए पर आ जाए तो अपने आप तो नहीं आएगा भाई, क्योंकि अगर उसको छोड़ दोगे तो उसकी टेंडेंसी है, उसकी प्रवृत्ति है कि वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा। बट लेकिन अगर आपको बी से ए पे उठा के लाना है तो उसका मतलब आपको एक बल लगाना पड़ेगा इस आकर्षण बल के विरुद्ध, इस बल के विरुद्ध आपको इस दिशा में क्या लगाना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा। अगर आपने इस आवेश पर बल लगाया एफ डैश और उस बल के द्वारा आपने इस आवेश को बी से ए तक हमने इसको विस्थापित किया, मान लेते हैं इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, एक्स है, तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा यहां पे, तो आपका कार्य जो होगा डब्ल्यू दैट इज एफ डैश इंटू एक्स, इतना कार्य आपको करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि अगर किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेके जाते हैं तो उस अवस्था में एक्सटर्नल एजेंट मतलब आप या मैं या कोई और उसको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो हमने कहा प्रति एकांक धनावेश पे कितना, एक वन कूलम का आवेश, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे प्रति एकांक धनावेश। तो इस प्रति एकांक धनावेश को इस बिंदु बी से ए तक लाने में विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में या विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमने जितना कार्य किया है, जितना काम किया है, वो कार्य ही इन दोनों बिंदुओं के बीच का क्या कहलाएगा, विद्युत विभवांतर कहलाएगा। दोबारा से बताता हूं मैं एक बार, दोबारा से गौर से सुनिएगा मेरी बात, क्या कह रहा है कि प्रति एकांक धनावेश को इस बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने के लिए विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध आपने जितना कार्य किया है, यहां पे वर्ड हमने लगाया है विरुद्ध, क्योंकि हमेशा एक कार्य क्या होगा, हमेशा ये जो कार्य होगा ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा, ठीक। तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लाने में किसी बाह्य कारक द्वारा किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इसी को हमने यहां पर लैंग्वेज में लिखा है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य अथवा परीक्षण धनावेश के परिमाण का अनुपात उन दोनों बिंदु आवेश के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो हमने कहा मान लो हमने इस Q आवेश को या Q नॉट आवेश को लाने में हमने कितना कार्य किया, मान लो यहां पे Q नॉट आवेश रखा हुआ है तो इस Q नॉट आवेश को लाने में कितना कार्य किया हमने, W जूल, कितना काम किया हमने, हमने यहां पे काम किया W जूल Q कूलम आवेश को लाने में। तो हमने कहा एक कूलम आवेश को लाने में कितना कार्य हुआ, तो एक कूलम आवेश को लाने में कार्य हुआ W बाय Q नॉट। तो हमने कहा ये जो W बाय Q नॉट है, इस W बाय Q नॉट को हम क्या बोलेंगे, इस W बाय Q नॉट को इन दोनों के बीच का विभवांतर कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये एक कूलम आवेश का वर्ग है। तो हमने स्टार्टिंग में यही तो बोला ना कि एक कूलम आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में हमने जितना कार्य किया है, उस कार्य को मतलब विद्युत क्षेत्र के विपरीत विस्थापित करने में जितना हमने कार्य किया है, उस कार्य को ही हम सिंपली क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलेंगे, और इसको डेल्टा वी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को हम विद्युत विभवांतर कहेंगे।
हम इसको दोनों तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, एकांक आवेश के लिए डिफाइन कर सकते हैं, एकांक आवेश के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं और W by Q naught के टर्म्स में भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। ठीक, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभांतर है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभांतर VA माइनस VB, A के पोटेंशियल में से B के पोटेंशियल को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, तो VA माइनस VB दैट इज W by Q naught। या हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको डेल्टा V भी लिख सकते हैं, डेल्टा V इज इक्वल टू W by Q naught, क्या लिखेंगे W by Q naught। अच्छा, अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं, मात्रक की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, मात्रक की, है ना, तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है जूल बटा कूलम, क्या होता है जूल बटा कूलम, और जूल बटा कूलम को ही लिखा जाता है बोल्ट, क्या लिखा जाता है इसको, इसको लिखा जाता है बोल्ट। ठीक है, तो जूल बटा कूलम बराबर क्या होता है बोल्ट, तो जो विद्युत विभांतर है, इस विद्युत विभांतर का जो मात्रक होता है वो बोल्ट होता है और इसको बोल्ट में मापा जाता है। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसको हमने इस तरीके से भी डिफाइन किया है कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, अच्छा वैद्युत विभव की बात कर रहे हैं हम यहां पे, है ना, तो ये जो हमारा डेफिनेशन है ये वैद्युत विभव के लिए है, तो यहां पे पहले हमने डिफाइन किया वैद्युत विभवांतर, चलिए थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं फिर वैद्युत विभव को डिफाइन करते हैं हम। ठीक है, हम थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं, देखिए हमने कहा वैद्युत क्षेत्र, ये हमारा एक वैद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु हमने कंसीडर किया था, बिंदु ए और बिंदु बी, तो मान लेते हैं कि बिंदु ए जो है वो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर है और बिंदु बी जो है वो अनंत पर है, बिंदु बी जो है वो कहां पर है भाई, वो अनंत पर है। ठीक है, तो बिंदु ए विद्युत क्षेत्र के अंदर है, बिंदु बी अनंत पर है और मान लेते हैं कि इस अनंत बिंदु पर एक धनावेश रखा हुआ है, एकांक धनावेश रखा हुआ है 1 कूलम। ठीक, हम किसके डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, हम यहां पे डिफाइन कर रहे हैं वैद्युत विभव को हम डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, वैद्युत विभव की परिभाषा में यहां पे लिख रहे हैं, विद्युत विभव को हम परिभाषित कर रहे हैं कि विद्युत विभव एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, तो हमने कहा अनंत पे एक 1 कूलम का धनावेश रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है और इस अनंत से इस 1 कूलम आवेश को, इस एकांक धनावेश को उठा के हमें अगेन बी पे, ए बिंदु पर लाना है, बी पे धनावेश रखा हुआ है अनंत पर है और इस आवेश को उठा के कहां पे लेके आना भाई, ए पर लेके आना है। ठीक, तो इसका मतलब कि अनंत से अगर इस आवेश को बिंदु ए पर लाते हैं तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा, बिना वर्क करे आवेश इन्फिनिटी से बिंदु ए पर तो आ नहीं सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो हमने कहा इस एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में हमने जितना काम किया है या एक्सटर्नल एजेंट ने विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध जितना कार्य किया है उस कार्य को ही इस बिंदु ए का क्या बोलेंगे, वैद्युत विभव बोलेंगे। ठीक, तो देखो वैद्युत विभवांतर को हमने इस तरीके से डिफाइन किया है, ए वी ए माइनस बी वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो यदि हम बी की बात करते हैं, यदि बिंदु बी कहां पर है, इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी में देखो विद्युत क्षेत्र तो जीरो है, अनंत दूरी पर या अनंत पे विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र का मान अनंत पे जीरो है तो इसीलिए वैद्युत विभव का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसलिए वी बी इज इक्वल टू वॉट, दैट इज जीरो। तो हम यहां पे बोलेंगे कि वी ए इज माइनस जीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट, तो यहां से हम लिखेंगे वी ए इज इक्वल टू वॉट, डब्ल्यू बाय क्यू नॉट, वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। तो इसकी सुंदर सा बहुत बढ़िया से एक परिभाषा मैं यहां पे लिख देता हूं, परिभाषा क्या है कि प्रति एकांक धनावेश को, प्रति एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु
किसी बिंदु, यहां पे हम ले लेते हैं ए, किसी बिंदु तक लाने में, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत या वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु, का वैद्युत विभव, कहलाता है। एक सुंदर सा डेफिनेशन यहां पे वैद्युत विभव का हम लिख देंगे कि प्रति एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु ए तक लाने में वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक, तो सिंपल सा हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट से भी हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। ठीक, तो डब्ल्यू बाई क्यू नॉट के अकॉर्डिंग इसकी जो परिभाषा है हमने वहां पर लिखा है यहां पर कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण धनावेश के मान Q नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो हमने यहां पे W बाई क्यू नॉट के टर्म्स में भी इसको डिफाइन किया कि V इज इक्वल टू दैट इज W बाई क्यू नॉट, किया गया कार्य और उस आवेश के अनुपात को जो है वो हम वैद्युत विभव कहेंगे। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। तो अगेन हम इसके मात्रक की अगर हम बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होगा बेटा, इसका मात्रक होगा बोल्ट, ठीक। तो वैद्युत विभवांतर को भी हम बोल्ट में मेजर करते हैं और वैद्युत विभव को भी हम बोल्ट में क्या करते हैं बेटा, मेजर करते हैं। तो याद रखिएगा वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर का जो यूनिट होता है, जो मात्रक होता है, वो बोल्ट होता है। वैद्युत विभव किसी एक बिंदु का विभव है, हमारा रेफरेंस पॉइंट उसके लिए इन्फिनिटी रहेगा। वैद्युत विभवांतर जो है वो विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु के बीच का विभवांतर है, बिंदु ए और बिंदु बी, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है। ठीक, चलिए और थोड़ा सा जनरल डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं ताकि आपके थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पे और गेन हो। ठीक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। देखिए क्या डिस्कशंस करेंगे हम यहाँ पे, है ना, तो हम यहाँ पे डिस्कशंस थोड़ा सा ये करने वाले हैं। देखो हमने जो क्लास 11th में बल के बारे में पढ़ा था ना बेटा, है ना, तो हमने बल के बारे में पढ़ा था कि बल दो तरीके के होता है, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है बेटा आपका संरक्षी बल, बल फोर्स जो होता है, एक आपका होता है संरक्षी बल, है ना, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है असंरक्षी बल, है ना। संरक्षी बल को इंग्लिश में बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और असंरक्षी बल को इंग्लिश में बोलते हैं हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, अच्छा संरक्षी बल क्या होता है, है ना, संरक्षी बल की डेफिनेशन हमने क्लास 11th में पढ़ा था, थोड़ा सा यहां पे रिवाइज करते हैं ताकि आपकी जो पास नॉलेज है वो थोड़ा सा गेन हो जाए। देखिए संरक्षी बल होता है बेटा कि अगर हम संरक्षी बल के द्वारा कार्य करते हैं तो जो कार्य है वो पथ पर निर्भर नहीं करता है। जो आपका पथ होगा, जैसे मान लो एक आवेश ए बिंदु पर है और एक उसको हमने बी, ए से बी पे लेके जाना है, है ना, हमें ए से बी पे लेके जाना है इस आवेश को, तो हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, ये पथ फर्स्ट, हम इसको ऐसे भी घुमा के लेके जा सकते हैं, ये होता है पथ सेकेंड, है ना। तो अगर हम इस आवेश को ए से बी तक लेके जाते हैं और उस स्थिति में किया गया जो कार्य है, अगर ये पथ पर निर्भर ना करे, है ना, अगर ये पथ पर निर्भर नहीं करता है तो उस केस में इस पे जो हमने बल लगाया है इस बल को हम बोलते हैं संरक्षी बल, क्योंकि विस्थापित करना है तो विस्थापित करने के लिए बल लगाना पड़ेगा, है ना। तो उस केस में अगर इस बल के द्वारा किया गया कार्य अगर पथ पे निर्भर नहीं करता है तो उस केस में इस बल को हम बोलते हैं कि एक संरक्षी बल है। क्या होता है बेटा, संरक्षी बल।
दूसरा, अगर इस बल के द्वारा किया गया कार्य अगर पथ पर निर्भर करता है तो उसको हम बोलेंगे असंरक्षी बल। तो असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है और असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऊष्मा के रूप में क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ध्वनि के रूप में क्या होता है, नष्ट हो जाता है। असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य कभी भी संचित नहीं होता है, कभी भी स्टोर नहीं होता है। लेकिन अगर हम संरक्षी बल के द्वारा कार्य करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्क किया जाता है, तो उस केस में वर्क जो होता है बेटा वो स्टोर होता है, वो कभी भी नष्ट नहीं होता है। जैसे अगर आप ग्राउंड से किसी ऑब्जेक्ट को एच हाइट पे लिफ्ट करते हो तो एच हाइट पे उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, जो कि उसके वर्क के बराबर होता है। आप वहां से ऑब्जेक्ट को छोड़ दोगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि बस उसके पास एनर्जी है, स्टोर्ड है। जैसे एक स्प्रिंग को खींचते हो और खींच के उस स्प्रिंग को छोड़ देते हो तो स्प्रिंग क्या होता है, वापस अपने पोजीशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आपने खींचा तो उसमें एक एनर्जी, क्योंकि अपने खींचने में आपने कुछ वर्क किया है, कुछ कार्य किया है, तो वो कार्य उस स्प्रिंग में क्या हुआ, स्टोर हुआ। जैसे आपने उस स्प्रिंग को रिलीज किया, जैसे आपने छोड़ दिया, वो स्प्रिंग वापस अपने क्या आ जाएगा, अपने पोजीशन में आ जाएगा। तो हमेशा संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो संचित होता है, संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो ये कार्य जो है ये निर्भर करता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करते रहना बेटा, अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। ये क्लास 11th में हमने पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा याद रखिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इसी कॉन्सेप्ट पे बनते हैं। बताएंगे अभी जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा बेटा, आपको बताऊंगा किस न्यूमेरिकल्स में ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो याद करिए, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य उस आवेश के प्रारंभिक बिंदु और उसके अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है। आपने कहा उस आवेश को कहां से उठाया है और उस आवेश को कहां ले गए, किस पाथ के द्वारा ले गए, किस रास्ते से उसको ले गए, वो उस पर निर्भर नहीं करेगा। निर्भर तो करेगा इस पर कि कहां से उठाया और कहां पे लेके उसको पटका, बस इस पर डिपेंड करेगा, बाकी अदर किसी फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो अच्छा संरक्षी बल कौन कौन से होते हैं भाई? तो संरक्षी बल के जो उदाहरण है, संरक्षी बल कौन कौन से होते हैं, तो संरक्षी बल होता है स्थिर वैद्युतिकी बल, स्थिर वैद्युतिकीय बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक, और दूसरा होता है प्रत्यास्थ बल, इलास्टिक फोर्स, है ना। ये तीन फोर्स जो है ये कंजर्वेटिव होते हैं। स्थिर वैद्युतीय बल होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और इलास्टिक फोर्स होता है। ये जो फोर्स होता है ये नेचर में कंजर्वेटिव होता है। सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके बारे में क्यों पढ़ रहे? हमने कहा इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्थिर बल, जो विद्युत क्षेत्र जो बल आरोपित कर रहा है किसी भी वस्तु पर, सॉरी किसी आवेशित वस्तु पर, वो बल कैसा, स्थिर विद्युतीय बल है। और स्थिर विद्युतीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल या प्रत्यास्थ बल के केस में हम हमेशा विभव या विभांतर, विभांतर और पोटेंशियल एनर्जी, क्या पढ़ते हैं इसमें, स्थिति जुड़, विद्युत स्थिति ऊर्जा, विद्युत स्थिति ऊर्जा जो है हम यहां पे इसके कारण हम डिस्कस करते हैं, स्थिति ऊर्जा, ठीक है। तो जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स की बात करेंगे तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ही केवल हम विभव पढ़ेंगे, विभांतर पढ़ेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, जब इन तीनों फोर्स की बात करेंगे। इसके अलावा कोई भी फोर्स हो, चाहे वो आपका फ्रिक्शनल हो, आपका क्या कहते हैं
विस्कस फोर्स हो, आप मस्कुलर फोर्स हो या कोई भी फोर्स हो, उन केसेस में हम कभी भी विभव या विभांतर या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कभी भी डिफाइंड नहीं करते। तो इसीलिए यहाँ पे समझना जरूरी है, क्योंकि विभांतर को हम डिफाइन करें, विभव को हम डिफाइन करें, आगे जाके हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में डिस्कशंस करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आपका संरक्षी बल है और संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य कभी भी पथ पर निर्भर नहीं करता है। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक आपको समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको यहां पे समझना है कि जब भी हम इस आवेश को उठा के लेके आएंगे बिंदु ए पे, चाहे वो अनंत से उठा रहे हो आप या किसी बिंदु से उठा रहे हो, जब भी इस आवेश को उठा के बिंदु ए पर लेके आएंगे तो आपको गेंडा नहीं बनना है, आपको खली नहीं बनना है, आपको इस आवेश को धीरे धीरे उठा के, ये नहीं अपना पूरा पावर दिखा दिया कि यार मैं तो 2 सेकंड में ला सकता हूं इस आवेश को अनंत से उठा के, नहीं, 2 सेकंड में नहीं, 2 घंटे में लाना है, 2 घंटे नहीं, 2 दिन में आपको लाना है। मतलब यहां से अब इस आवेश को जब अनंत से उठा के बिंदु ए पे लेके आओगे तो यह मंद गति के द्वारा क्या करा जाएगा, इस आवेश को लाया जाएगा। क्या होगा यहां पे? मंद गति होगा, मंद गति होगा, मतलब धीरे धीरे इसको धीरे 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 खींचते हो आपको लेके आ रहे, जितना ज्यादा समय आप ले सकते हैं उतना ज्यादा समय लीजिए, बट इस आवेश को जब ए से उठा के बी पे लेके आएंगे बहुत धीरे धीरे लेके आएंगे। सर ऐसा क्यों? तो मैंने कहा ऐसा इसलिए क्योंकि देखो हमने कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा है, अरे यार राइटिंग नहीं बननी आज, कार्य ऊर्जा प्रमेय है ना, कार्य ऊर्जा हमने प्रमेय क्या पढ़ा है ब्रॉड लेवल पे, तो हमने कहा जो वर्क डन होगा W वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। मतलब कि जब हम किसी वस्तु पे कार्य करते हैं, जो कार्य होता है वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज हुआ, मतलब गतिज ऊर्जा कितना उसका परिवर्तित हुआ है, और उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितना परिवर्तित हुआ है, उन दोनों के सम के इक्वल, मतलब उन दोनों के योग के इक्वल होता है। तो हमने कहा देखो अगर इस आवेश को बहुत तेजी से लेके आओगे तो इस आवेश के पास अगर गति होगा तो उसके पास एक गतिज ऊर्जा होगा। तो हमने कहा क्योंकि यहां पे हम पोटेंशियल को डिफाइन कर रहे हैं, विभव को डिफाइन करें, तो काइनेटिक एनर्जी जो है क्या होना चाहिए आपका बेटा, यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए, यह काइनेटिक एनर्जी में जो परिवर्तन है वो 0 होना चाहिए। यह तभी पॉसिबल है बेटा, ये तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली क्या होगा बेटा, 0 होगा, मतलब वेलोसिटी बहुत कम होगा तभी काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा बेटा, 0 होगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 है तो उस केस में टोटल जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। तो इसलिए हमने कहा है कि जब भी किसी आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएंगे पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए, तो हमेशा उस आवेश को धीरे 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 क्या करेंगे, हम ड्रैग करेंगे, धीरे धीरे उसको लेके आएंगे, धीरे, गेंडा नहीं बनना है, खली नहीं बनना है कि एक ही साथ उठा के लाके छोड़ दिए, नहीं, धीरे 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 उसको लेके आना है। ठीक, तो ये 2 बेसिक कॉन्सेप्ट थे पोटेंशियल के केस में, बाकी डेफिनेशंस तो अपनी जगह पे हैं, उसको आपको याद करना है, फॉर्मूला अपनी जगह पे है, वो आपको लिखना है, बट ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जो है आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे, तभी जाके आप आगे के जो कॉन्सेप्ट है, आगे के जो टॉपिक्स है, वो बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए एक बेसिक चीज और बता देता हूं मैं पोटेंशियल के रिगार्डिंग, है ना, एक छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं, मजा आ जाएगा आपको। ठीक, देखिए अगर मान लो हमारे पास दो वस्तु है ए और बी, ए वस्तु है ये बी वस्तु है ना, एक है गर्म दूसरा है ठंडा, ये हमारा गर्म है ये हमारा ठंडा है, कैसा है, ठंडा है। ठीक है, एक गर्म वस्तु है एक ठंडी वस्तु है। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं इनको एक तार के द्वारा, इसको एक तार के द्वारा जोड़ देते हैं, एक मेटल के तार के द्वारा जोड़ देते हैं, तो क्या होगा, इस गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में क्या होगा, ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। क्या होगा भाई, ऊष्मा जो है वो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ट्रांसफर होगा। ठीक, तो जब भी दो वस्तु के बीच में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है,
तो किसकी वजह से होता है? वो होता है कि एक वस्तु गर्म है मतलब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एक वस्तु ठंडा है मतलब उसका टेम्परेचर बहुत कम है। जब दो वस्तु के बीच में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है, एक तापांतर क्रिएट होता है, तो उसे टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ऊष्मा जो है वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक, सेम एज इट इज, मान लो एक टैंक आपके पास है और इस टैंक को आपने एक पाइप से कनेक्ट कर दिया और इसको आपने दूसरे टैंक के साथ कनेक्ट कर दिया, है ना, ये टैंक थोड़ा सा ऊपर है, ये नीचे है और इसमें पानी भरा हुआ है, या मान लो दोनों सेम लेवल पर है, दोनों क्या है सेम लेवल पर है, ये एक टैंक है हमारा, ये दूसरा टैंक है, है ना, और इन दोनों टैंक को हमने क्या कर दिया, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया हमने, है ना, और इस टैंक में इतना पानी भरा हुआ है, ये ऊपर तक भरा हुआ है, ये ऊपर तक भरा हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी है, इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा सा पानी है, है ना, और जैसे टैप ओपन कर देंगे तो क्या होगा, टैंक ए से टैंक बी की तरफ क्या होगा, पानी का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा, है ना, पानी जो है, जल जो है वो ए से बी की तरफ प्रवाहित होगा, तो जब ए से बी की तरफ प्रवाहित होगा तो जल किसकी वजह से प्रवाहित हो रहा है, जल प्रवाह किसकी वजह से हो रहा है, तो हम कहते हैं जल प्रवाह जो होता है या वायु प्रवाह जो होता है, मतलब जो फ्लूइड है, जो तरल है वो प्रवाहित होता है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ प्रवाहित होता है, मतलब इसका जो दावांतर है, दाब जो है वो उच्च है और इसका दाब जो है, पानी का जो दाब है ये निम्न है, क्या है भाई, निम्न है। तो हमने कहा अगर किसी वस्तु में या किसी वस्तु में जो पानी, किसी टैंक में जो पानी है अगर उसका दाब ज्यादा है और दूसरे टैंक में दाब कम है पानी का, तो जो पानी होगा वो उच्च दाब से किसकी तरफ प्रवाहित होगा, निम्न दाब की तरफ प्रवाहित होगा। तो हमेशा जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है, ऊष्मा जो होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है। तो सेम एज इट इज, मान लो दो वस्तु आवेशित है, एक वस्तु है ये आवेशित है, मान लो ए, इस पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है ना, एक दूसरी वस्तु है बी, ये इस पे भी आवेश है कुछ, मान लो इस पे भी थोड़ा बहुत आवेश है, ठीक, इस पे मान लो Q1 आवेश है, इस पे Q2 आवेश है, और इन दोनों वस्तु को अगर एक तार के द्वारा क्या करते हैं बेटा, जोड़ देते हैं, एक तार के द्वारा क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो क्या होगा कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेश का प्रवाह होगा, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होगा, आवेश प्रवाहित होगा। तो हम किस वे में या किस तरीके से हम बोल सकते हैं या किस वजह से हम बोल सकते हैं कि किस वस्तु से किस वस्तु में आवेश प्रवाहित होगा, क्या ए से बी में आवेश प्रवाह होगा या बी से ए में आवेश प्रवाह होगा, कैसे पता चलेगा, कैसे हम डिफाइन करेंगे उसको, तो उसके लिए डेफिनेशंस होती है, उसके लिए हम बात करते हैं कि जिस वस्तु का विभव ज्यादा होगा उस वस्तु से कम विभव वाले वस्तु की तरफ क्या होगा, आवेश का प्रवाह होगा। पता, आवेश जो प्रभावित होगा वो किस पे निर्भर करेगा बेटा, वो निर्भर करेगा विभवांतर पे, कि दो वस्तुओं के बीच का विभवांतर कितना है। तो मान लो इसका विभवांतर है वी वन, इसका विभवांतर है वी टू, मतलब इसका विभव है वी वन, इसका विभव है वी टू, और वी वन जो है वो ग्रेटर है वी टू से, मतलब वी वन ज्यादा है वी टू कम है, मतलब ये उच्च विभव पर है ये निम्न विभव पर है, तो आवेश का जो प्रवाह है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होगा, तो आवेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होता है। तो आवेश प्रवाह को कौन कंट्रोल कर रहा है, आवेश प्रवाह को कंट्रोल कर रहा है विभवांतर, हरी बात समझ में, इसीलिए यहां पे मैं विभवांतर को समझना जरूरी है, विभवांतर को डिफाइन करना जरूरी है, क्योंकि विभवांतर ही वो फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्या होता है, आवेश प्रवाहित होता है। कब तक होगा, तो दो वस्तुओं के बीच में आवेश प्रवाह तब तक होता है बेटा जब तक कि दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो जाए, दोनों वस्तुओं का विभव बराबर ना हो, जैसे दो वस्तु समान विभव पर आ जाएंगे दोनों के बीच आवेश प्रवाह बंद हो जाएगा, वैसे ही जब दो वस्तु का टेम्परेचर क्या होगा, तापमान बराबर हो जाएगा तो उसके बीच में ऊष्मा प्रवाह बंद हो जाएगा, जब दो वस्तु के सॉरी दो टैंकों के बीच में दाब समान हो जाएगा, दोनों टैंकों में दाब समान हो जाएगा, दाबांतर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो दोनों टैंकों के बीच में जो पानी फ्लो हो रहा था वो पानी का फ्लो क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। जब तक ये डिफरेंस क्रिएट होगा तब तक क्वांटिटी फ्लो करेगा, बट जब ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा तो उस केस में
जो क्वांटिटीज हमें फ्लो हो रहा है, चाहे वो टेम्प हीट हो, चाहे वो आपका फ्लूइड हो, या चाहे वो आपका चार्ज हो, उसका फ्लो होना क्या हो जाएगा बेटा, बंद हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। कि अगर वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर किसी आवेश को लेके जाना है तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो मान लो ये आपका विद्युत क्षेत्र है ई और इस विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है, यह है बिंदु ए, यह है बिंदु बी। इस बिंदु ए का विभव है वी ए, इस बिंदु बी का विभव है वी बी, और एक आवेश जो है वो यहां पे रखा हुआ है क्यू नॉट, मान लेते हैं ए पर रखा हुआ है, और इस क्यू नॉट आवेश को ए से उठा के हमें कहां लेके जाना है बेटा, उसको उठा के हमें बी पे लेके जाना है। तो इस आवेश क्यू नॉट को ए से बी तक ले जाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम डिफाइन परिभाषा लेंगे विभवांतर की, है ना, विभवांतर की परिभाषा से, विभवांतर की परिभाषा से। देखो इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है दैट इज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। कि इस आवेश को मान लो ए से बी तक लेके जाने में हमने कितना काम किया यहां पे, तो हमने मान लो यहां पे डब्ल्यू कार्य किया है, डब्ल्यू वर्क किया है, और डब्ल्यू वर्क अगर हमने यहां पे किया है तो उस केस में जो विभवांतर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो विभवांतर आपका हो जाएगा यहां पे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो इसका जो डिफरेंस होगा इसको डेल्टा वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो यहां से कार्य जो निकल के आएगा बेटा, तो कार्य होगा डब्ल्यू बराबर डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है, इस विभवांतर के उस आवेश से क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को अगर अब इस क्यू नॉट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, कार्य निकल के आ जाएगा कि इस आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके जाने में आपने कितना कार्य किया है। क्लियर है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो वैद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र आवेश को बी विभवांतर पर त्वरित करने पर उसके द्वारा प्राप्त वेग, अगर किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर, जैसे मान लो एक विद्युत क्षेत्र है ना, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी आवेश को आपने छोड़ दिया यहां पे और इसको वी पोटेंशियल पे हमने क्या करा, वी पोटेंशियल पे उसको हमने या पोटेंशियल डिफरेंस पे हमने उसको त्वरित किया, क्या करा भाई त्वरित। मान लो यहां पर एक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, यहां पर एक नेगेटिव प्लेट है ना, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या बनेगा आपका, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इस नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और इन दोनों प्लेटों के बीच मान लेते हैं कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके बीच मान लेते हैं वी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो जब इस विद्युत क्षेत्र के अंदर इस आवेश को रखा जाएगा तो ये आवेश क्या करेगा बेटा, एक बल का अनुभव करेगा इस दिशा में, तो एफ इज इक्वल टू दैट इज क्यू नॉट इनटू ई, है ना, और इस बल के कारण ये आवेश यहां पे क्या करेगा, गति करेगा, और उसका जो वेग है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि न्यूटन चाचा जो है हमारे वो कह के गए थे कि भैया देखो किसी वस्तु पे जब बल लगाओगे आप तो उस बल के कारण उसमें क्या होगा, एक त्वरण उत्पन्न होगा। वो बल क्या करेगा, उस वस्तु की गति को त्वरित करेगा, उसकी स्पीड को बढ़ाएगा, उसको एक्सलरेट करेगा। तो यहां पे जो आवेश है ये एक्सलरेट होगा, जब ये एक्सलरेट होगा तो उसका वेग बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि वी विभवांतर पे अगर किसी आवेश को त्वरित करते हैं तो उसका वेग कितना होगा। तो सिंपल सा डेरिवेशंस यहां पे हम करते हैं। देखो किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य किया हमने, दैट इज डेल्टा वी इनटू क्यू नॉट। तो यहां पे बेटा डेल्टा वी को हम यहां पे वी से रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है ना, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू क्यू नॉट, विभवांतर इंटू आवेश, विभवांतर इंटू आवेश। अच्छा भैया बहुत बढ़िया, तो हमने कहा कार्य ऊर्जा प्रमेय अगर लगाते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय अगर हम लगाते हैं तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार, के अनुसार देखो कार्य प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहता है कि जब इस वस्तु को इस बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे और कुछ कार्य करेंगे, तो मतलब इसका
मोशन एक्सेलरेट हो रहा है, इसका मोशन एक्सेलरेट, ये इसकी गति बढ़ेगा, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चेंज होगा। जब किसी वस्तु का, जब मान लो आवेश स्थिर है, रेस्ट में रुका हुआ है, फोर्स उस पर लग रहा है, उस फोर्स की वजह से उसका मोशन एक्सेलरेट हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसका मतलब उसका वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि उस वस्तु के काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो कितना चेंज हुआ तो वो बताता कार्य ऊर्जा प्रमेय, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार W इज इक्वल टू दैट इज डेल्टा K, तो W इज इक्वल टू डेल्टा K कितना, दैट इज के एफ माइनस के इनिशियल, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम माइनस करेंगे, तो यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, दैट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, फाइनल का मतलब अंतिम, तो अंतिम गतिज ऊर्जा में से प्रारंभिक गतिज ऊर्जा को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मान लेते हैं आवेश यहाँ पे इनिशियली रुका हुआ है, तो यू जीरो होगा, तो यू जीरो होगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, दैट इज डब्ल्यू। बट इस इक्वेशन के अनुसार यहां से अगर हम डब्ल्यू का वैल्यू रखते हैं तो समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या होगा भाई, तो समीकरण एक अगर हम अप्लाई करते हैं यहां पे, तो समीकरण एक से तो यह जगह V इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू दैट इज हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, अच्छा टू का मल्टीप्लाई करना, m इसके डिवाइड में लेना, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू वी इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल, एक को स्मॉल v लेना, एक कैपिटल v लेना, स्मॉल v का मतलब हो गया वेग, कैपिटल v का मतलब हो गया विभांतर, क्या हो गया बेटा विभांतर, तो यहां से v आ जाएगा आपका दैट इज रूट ऑफ 2v, देखो रूट ऑफ 2v क्यू नॉट डिवाइडेड बाय m, 2v क्यू नॉट डिवाइडेड बाय m। तो अगर हम किसी आवेश को v विभांतर पे क्या करते हैं, उसको एक्सेलरेट करते हैं, तो उसका जो वेग आएगा वो आ जाएगा रूट 2v क्यू नॉट बाय m हो जाएगा, ठीक। तो किसी आवेश को अगर v वेलोसिटी पे एक्सेलरेट करते हैं तो यहां पे ये हमारा एक्सप्रेशन, देखो इस एक्सप्रेशन को यहां पे, ये जो एक्सप्रेशन है यहां पे हमारे पास एक और इक्वेशन है v इंटू क्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर, हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो इस एक्सप्रेशन को हम यहां पे लिख सकते हैं, नोट डाल के मैं लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं v इंटू क्यू नॉट, ये मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल इनटू चार्ज के इक्वल होता है, गतिज ऊर्जा जो है वो विभांतर गुणा आवेश के बराबर होता है। तो ये इक्वेशंस बहुत जगह यूज होता है पूरी फिजिक्स में, हर चैप्टर्स में कहीं ना कहीं इस इक्वेशंस का हम यूज करने वाले हैं, तो उसको याद रखिएगा, के इज इक्वल टू होता है वी इंटू क्यू नॉट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है भाई, तो यहाँ पे एक उदाहरण है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशंस कर लेते हैं कि विभव की जो विभांतर या विभव है इसकी बीमा हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बीमा हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, तो यहाँ पे हम बीमा डिस्कस कर लेते हैं बेटा, है ना, बीमा क्या भाई, बीमा क्या होगा, है ना, तो हमने कहा ये हो गया जूल, मात्र किसका, जूल बटा कूलम होता है, जूल बटा कूलम, है ना, तो हमने कहा जूल, जूल की बीमा है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइडेड बाय कूलम, कूलम की बीमा है बेटा एटी, कूलम की बीमा है एटी, तो ये आपका हो जाएगा बेटा यहां पे एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ठीक, तो बीमा यहां पे निकल के आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, तो याद रखिएगा कभी कभी एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ विभांतर या विभव की बीमा क्या है, तो इसकी बीमा होता है बीमा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, अगर याद भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो बोल्ट होता है वो जूल बटा कूलम होता है, आपको जूल की बीमा याद होना चाहिए और कूलम की बीमा याद होना चाहिए, आवेश की बीमा होता है ए इंटू टी, ठीक, दोनों को डिवाइड करके लिख देंगे जो भी आंसर आपका बच रहा है। चलिए अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल में, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल में, ओहो
देखो, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चंस बेटा 2 बार यूपी बोर्ड में पूछा भी गया है, 2002 में भी पूछा गया, 2007 में भी पूछा गया है, सेम यही क्वेश्चंस। ठीक, क्वेश्चन क्या है, दो बिंदु ए तथा बी के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी और 5 वोल्ट का विभवांतर है। 2 कूलम धनावेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में कितनी जूल कार्य करना पड़ेगा। कह रहा दो बिंदु है ए और बी, और दोनों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी है, ये है बिंदु ए और ये है बिंदु बी। कह रहे यहाँ पे एक आवेश रखा है, कितना, 2 कूलम का धनावेश रखा है, और इन दोनों को, दोनों के बीच का जो विभवांतर है ये 5 वोल्ट का विभवांतर है। तो कह रहा अगर इस आवेश को ए से बी तक लेके जाते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है भैया, क्या दे रखा है, तो विभवांतर दे रखा है, विभवांतर दे रखा डेल्टा वी, कितना, 5 वोल्ट, है ना। अच्छा, आवेश दे रखा है, क्या दे रखा भैया, आवेश, दैट इज क्यू नॉट इज इक्वल टू 2 कूलम। तो हमने कहा कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य W इज इक्वल टू, अभी हमने डिफाइन किया बेटा, दैट इज डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट, विभवांतर गुणा आवेश। अच्छा, विभवांतर हो गया 5, आवेश हो गया 2, बराबर 10, तो 10 जूल। मतलब अगर इस आवेश को अगर ए से बी तक लेके जाते हैं तो आपको कितना जूल कार्य करना पड़ेगा बेटा, 10 जूल आपको कार्य करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक, जस्ट एक सिंपल सा यहां पे हमें सूत्र यूज करना है, डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा वी इंटू क्यू नॉट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा उदाहरण है कि एक अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में कितने जूल वृद्धि होगी। ऊर्जा यहां पे, ऊर्जा कहने का मतलब यहां पे इसकी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा की बात कर रहा है, कि इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी जूल की वृद्धि हुई है वो आपको बताना है। और यहां पे E बराबर दे रखा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ओहो, बहुत सुंदर। बट यहां पे जो कण दे रखा है ये अल्फा कण दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है, अल्फा कण। बताता हूं क्या होता है अल्फा कण। तो अल्फा कण जो होता है ये होता है हीलियम का नाभिक, HE double positive। अल्फा कण जो होता है वो HE double positive होता है, हीलियम का, हीलियम होता है, हीलियम के ऑर्बिट में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, निकाल के उसको बाहर फेंक दो, क्या बचेगा, हीलियम का नाभिक बचेगा। तो हीलियम को, उस नाभिक को हम क्या बोलेंगे बेटा, अल्फा कण बोलेंगे। तो कितना आवेश होगा इस पे, तो इस पे आवेश जो होगा अल्फा कण पर, जो आवेश होगा बेटा ये क्यू इज इक्वल टू प्लस 2E के इक्वल होगा, मतलब 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज होगा, क्योंकि उसके नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन क्योंकि न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पार्टिकल का कोई यहां पे काम नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन 2 है तो इसलिए इस पे आवेश जो होगा वो क्यू इज इक्वल टू प्लस 2E के बराबर चार्ज बचेगा। ठीक, तो अल्फा कण पर आवेश कितना, अल्फा कण पर आवेश तो क्यू इज इक्वल टू 2E, तो हमने कहा 2E हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो यह 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूल। उसको 10 वोल्ट पे त्वरित किया गया है, तो विभवांतर यहां पे दे रखा है आपका, विभवांतर डेल्टा वी या वी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, वी इज इक्वल टू कितना है बेटा, 10 वोल्ट, कितना भाई, 10 वोल्ट। तो गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा भाई, गतिज ऊर्जा That is K is equal to what? That is V into Q. देखो अभी हमने लिखा था यहाँ पे एक्सप्रेशन, मैंने बोला था याद कर लीजिएगा इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ पे ये K is equal to गतिज ऊर्जा, K is equal to V into Q naught या Q, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप Q naught ले लीजिए, Q ले लीजिए, तो K is equal to V into Q, इसी का यूज करेंगे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा आपका यहाँ पे बेटा, देखिए V हो गया आपका 10 और Q हो गया आपका 3.2 × 10⁻¹⁹ का 19, तो
तो ये आपका जाएगा 10^1, यहाँ पे 10^19, 19 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 18, तो ये आपका जो 3.2 × 10^-18 जूल। ठीक, तो 3.2 × 10^18 जूल, इसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा बेटा, वृद्धि हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत गजब। चलिए एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, और यूपी बोर्ड 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते भी हैं। देखिए, एक इलेक्ट्रॉन को 15×10^4 वोल्ट विभांतर पर त्वरित किया जाता है, इसकी ऊर्जा में वृद्धि जूल तथा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। ठीक, जूल में भी निकालना है आपको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालना है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10^-19 जूल। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6×10^-19 जूल के बराबर होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, तो इसी का यूज करेंगे कन्वर्जन करने के लिए। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, तो दिया है बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, विभांतर दे रखा है, विभांतर V बराबर 15×10^4 वोल्ट। ठीक, किसकी बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है E इज इक्वल टू 1.6×10^-19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि हुआ, तो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है Q × V, तो ये आपका जो E × V, तो V हो गया आपका कितना, 15×10^4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो, इलेक्ट्रॉन का आवेश यहां पे मत रखो, वैल्यू मत रखो, इसको डायरेक्टली आप लिख दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही बात समझ में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होगा, इतना रख दोगे तो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप रखो ही मत। तो जब आप E का वैल्यू नहीं रखोगे, इसको केवल किस में लिखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे, तो ये क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालना था क्वेश्चन आंसर, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आ गया 15×10^4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे तो जब 15×10^4 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6×10^-19 से क्या कर देंगे बेटा, गुणा कर देंगे। देखिए 16×5 = 80 का 0 हासिल लगा 8, 16 × 16 = 24, एक प्लेस बाय डेसिमल है तो यहां पे डेसिमल आ जाएगा, × 10^19 में से 4 घटा दोगे आप तो बचेगा −15। अब इसको लिखिएगा 2.4×10^-14 जूल, दैट इज। देखिए 1, यहाँ पे 24 था ना, तो इस 24 को हमने लिख दिया 2.4 लिखेंगे तो यहाँ पे घात 1 जोड़ देंगे आप, तो −15 + 1, तो ये आपका जाए −14। ठीक, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है जूल में, और इतना काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन बोल्ट में। इलेक्ट्रॉन बोल्ट भी ऊर्जा का ही मात्रक होता है, बट ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रक होता है, बहुत छोटा सा मात्रक होता है। ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर यहां तक समझ में आ गया, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए, और वीडियो को एंड तक देखिए, मजा आएगा। धीरे धीरे हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं और धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। यस, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अगर कहीं पर अगर आपने एक बिंदु आवेश रखा है, तो उस बिंदु आवेश के कारण उसे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं। तो सबसे पहले लेट अस सपोज, मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु आवेश रखा हुआ है यहां पे, प्लस का q, बिंदु O पर रखा हुआ है। ठीक है, और इस बिंदु O से r दूरी पर, से r दूरी पर मान लेते हैं यहां पर एक बिंदु है P, से r दूरी पर एक बिंदु है P, और इस बिंदु P पर आपको वैद्युत विभव ज्ञात करना है।
तो इस बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए अगर हम इसके डेफिनेशन में चले जाते हैं, तो डेफिनेशन में हमने इसको डिफाइन किया था कि अनंत पे एक एकांक आवेश रखा हुआ है, उस एकांक आवेश को अनंत से इस बिंदु पी तक लाने में हमने जितना कार्य किया है उसी कार्य को क्या बोलेंगे बेटा, उसी कार्य को बोलेंगे इस बिंदु पी का विभव कहेंगे। तो इसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले ये कंसीडर करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि माना एक बिंदु आवेश आपका परीक्षण धनावेश क्यू नॉट ये कहां पर रखा हुआ है, ये अनंत पर रखा हुआ है। एक परीक्षण धनावेश कहां पर रखा है, अनंत पर रखा है, और अनंत से इस परीक्षण धनावेश को उठा के बिंदु पी पर लेके आना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मान लेते हैं इस बिंदु पी को उठा के लेके आ रहे थे, तो किसी इंस्टेंट किसी समय मान लेते हैं ये बिंदु ए पर आ गया, और बिंदु ए जो है वो ओ से मान लेते हैं एक्स दूरी पर है। किस दूरी पर है भैया, एक्स दूरी पर है। अगर बिंदु ओ से बिंदु ए तक की जो दूरी है एक्स है, तो इसका मतलब यहां पे जो एक परीक्षण धनावेश रखा है क्यू नॉट, और ये जो क्यू आपका है यहां पे बिंदु ओ पर, तो इन दोनों आवेशों के बीच में क्या लगेगा बेटा, एक बल कार्य करेगा। किस दिशा में, तो बल लगेगा बेटा इस दिशा में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में क्या होगा, रिपल्शन होगा एफ। ठीक, अब इस बल के विरुद्ध देखो यहां पे जो बल है बेटा ये एक वेरिएबल फोर्स है, मींस परिवर्तनशील जो है बल है। क्यों आप पूछोगे सर क्यों, तो मैंने कहा देखो लिखते हैं यहां पे, सबसे पहले समझाता हूं मैं आपको। तो यहां पे सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ओ से पी तक की जो दूरी है ये आर है, तथा ओ से ए तक की जो दूरी है मान लेते कितना एक्स है। तो इन दोनों आवेशों के बीच में कितना बल लगेगा, अतः दोनों आवेशों के बीच बल कितना लगेगा, दोनों आवेशों के बीच बल लगेगा कूलम के नियम के अनुसार F इज इक्वल टू 1/4πε0Q/Q0/x2। क्योंकि अब जो आवेश यहां पे बेटा वो O और A पर रखा हुआ है, तो इनके बीच की दूरी कितना है x है, तो नीचे आ जाएगा आपका x का स्क्वायर। तो बल कितना लगेगा, F is equal to 1/4πε0Q/Q0/x2। ठीक, अब देखो यहां पे ये जो बल F है ये x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब F is proportional to x square। इट मींस अगर आप इस आवेश को इसके पास लेके आओगे तो x आपका घटेगा, x घटेगा तो उसके रिस्पेक्ट में जो बल है वो कंटिन्यूअसली क्या होगा आपका बढ़ेगा। तो क्योंकि x घट रहा है और x के घटने के साथ बल क्योंकि बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे बल परिवर्तनशील है, मतलब एक वेरिएबल फोर्स है। और जब भी किसी आवेश पे या किसी ऑब्जेक्ट पे एक वेरिएबल फोर्स लगता है, तो उस केस में जब हम बल उस परिवर्तीय बल के लिए या परिवर्तनशील बल के लिए जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं, कार्य कैलकुलेट करते हैं, तो हमेशा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो यहां पे भी कार्य निकालने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा इंटीग्रेशन का। ठीक, तो इस परिवर्ती बल के कारण मान लेते इस आवेश को हमने ए से उठा के कहां पर लेके आए, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया कितना डी एक्स, बल के विपरीत दिशा में। ठीक, तो विस्थापन डी एक्स, विस्थापन डी एक्स तथा बल F के बीच कोण, देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो कोण कितना बनेगा बेटा 180 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि बल आपका लग रहा है इस दिशा में, बल लग रहा है इस दिशा में, और इस आवेश को हम इसके बल के अपोजिट दिशा में लेके आ रहे हैं, इसके विपरीत दिशा में आ रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए एंगल जो बनेगा आपका थीटा कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, तो अतः आवेश क्यू नॉट को डीएक्स दूरी विस्थापित विस्थापित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य कितना कार्य होगा बेटा, बहुत छोटा सा कार्य होगा, इसको dw से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा आपका f इंटू डी एक्स, क्या जाएगा
एफ इंटू डी एक्स। अच्छा एफ डी एक्स का डॉट प्रोडक्ट है तो इसको लिख सकते हैं एफ डी एक्स कॉस थीटा, और थीटा यहां पे हम ले लेंगे कितना 180 डिग्री। तो यहां पे डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका सॉरी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, और कॉस 180 का वैल्यू कितना होता है माइनस वन होता है, तो कॉस 180 हम माइनस वन लिख देंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस का एफ डॉट डी एक्स, यहां पे आगे लिख देना कि कॉस 180 इज इक्वल टू माइनस वन, तो डब्ल्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। ओहो बहुत सुंदर, मतलब इस आवेश को जब ए से उठा के बी पे लेके आया, मतलब एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, तो उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में मैंने एक छोटा सा काम किया, एक नन्ना सा काम किया हमने, वो कितना किया हमने डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। तो अब हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे कि इस आवेश को इस इंफिनिटी से इस पॉइंट पी तक लाने में हमने कुल कितना कार्य किया है। तो आवेश को आवेश क्यू नॉट को अनंत से, अनंत पर होगा तो x का वैल्यू क्या होगा बेटा इंफिनिटी, अनंत से बिंदु P तक, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य भाई कितना, तो अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, तो बिंदु P कहां पर है बेटा जब x इज इक्वल टू, इसके लिए लिमिट यूज करेंगे r, क्योंकि यहां पे अगर आवेश यहां पे रखा तो x किसके बराबर हो जाएगा r के बराबर हो जाएगा ठीक। तो बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, तो ये जो एक छोटा सा नन्हा सा कार्य है इसको हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे टोटल वर्क W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, और लिमिट यूज करेंगे बेटा इंफिनिटी से R, क्यों, क्योंकि इनिशियली आपका जो चार्ज है वो कहां पर रखा है, वो इंफिनिटी पर रखा हुआ है, और फाइनली चार्ज को कहां पर उठा के लेके आए पॉइंट पी पे, किस पाथ से लेके आया वो डिपेंड नहीं करेगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू किया गया जो वर्क है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उस आवेश के प्रारंभिक स्थिति और उसकी अंतिम स्थिति पर। तो उसकी प्रारंभिक स्थिति कहां पर है इंफिनिटी पे है, अंतिम स्थिति कहां पर है बिंदु पी पर है, तो इसीलिए यहां पर हम जो लिमिट यूज करेंगे तो इंफिनिटी से क्या लगाएंगे आर लगाएंगे। याद रखिएगा इंफिनिटी प्रारंभिक लिमिट है, आर जो है वो अंतिम लिमिट है ठीक। तो dw का वैल्यू यहां से रिप्लेस करेंगे, dw का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो w इज इक्वल टू आपका हो जाएगा यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू r dw क्या बेटा f डॉट dx। ओहो बहुत सुंदर, तो इंफिनिटी टू r f का वैल्यू देख लो, f सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे, f कितना चलिए dw इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट dx है, f कितना यहां पे, तो f अब यहां पे ऑब्जर्व कर सकते हैं f जो है वो आपका है यहां पे F जो है वो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q नॉट बाय x स्क्वायर ठीक है। तो यहां से F का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, और F का वैल्यू जब रिप्लेस करेंगे यहां पे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, देखो ये माइनस का है तो माइनस साइन बाहर ले लेना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q नॉट बाय x स्क्वायर ऑफ dx, x स्क्वायर ऑफ dx। ओहो बहुत सुंदर, देखो जो कांस्टेंट टर्म्स है उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, तो इसको अगर इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं तो माइनस क्यू क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाए तो इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, तो यहाँ पे क्या बचेगा डी एक्स बाय एक्स स्क्वायर। एक कॉमन सा इंटीग्रेशन है, फिजिक्स के हर एक डेरिवेशन में यूज होता है, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो इस इंटीग्रेशन को याद कर लीजिए बेटा कि dx by x square का जो इंटीग्रेशन होता है ये माइनस का 1 by x होता है, याद कर लीजिए, ज्यादा दिमाग में प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन dx upon x square is equal to the minus का 1 by x, फिजिक्स के हर एक डेरिवेशन में यही इंटीग्रेशन यूज होता है, तो याद करिए इसको। मैथमेटिक्स वाले क्योंकि आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं या इंटीग्रेशन आप पढ़ रहे होंगे तो आपको पता है इसका इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है, इसके पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर माइनस टू, फिर x की पावर n वाला फॉर्मुला यूज करेंगे तो x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, तो इसका मतलब x की पावर यहाँ पे माइनस टू है तो x की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन, तो ऊपर आ जाएगा x की पावर माइनस वन, नीचे आ जाएगा माइनस वन, तो उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का वन बाय x। मैथमेटिक्स वाले बच्चों को पता है किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, बायो वाले बच्चे इसको याद कर लेंगे जल्दी से। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे यहाँ पे इंटीग्रेशन का, तो माइनस क्यू क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपका जाएगा बेटा इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर, सॉरी इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे और इसकी जगह लिख देंगे 1 बाय एक्स, और इसका लिमिट ले लेंगे यहां पे आर से इंफिनिटी।
ठीक, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, और लिमिट जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस और ये माइनस हो जाएगा, प्लस क्यू क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे लिमिट रखेंगे बेटा तो एक्स की जगह आर रखेंगे एक बार तो 1/r हो जाएगा, माइनस एक्स की जगह एक बार इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/∞, और 1/∞ का वैल्यू क्या होता है बेटा, जीरो होता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 1/∞ इज इक्वल टू जीरो, तो 1/∞ जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म हो गया जीरो, तो 1/r-0, 1/r बचेगा, तो ये w इज इक्वल टू आपका यहाँ पे एक्सप्रेशन बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय r। ठीक, तो इतना वर्क जो है हमने टोटल किया है। अगर एक आवेश को इन्फिनिटी से उठा के किसी बिंदु पी तक लेके आते हैं, किसी बिंदु पी तक लेके आते हैं, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, तो टोटल हमें वर्क करना पड़ेगा W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय आर। ओहो बहुत सुंदर, गजब, बेहतरीन, लाजवाब, मजा आ गया भैया। ओहो आ जाओ देखो, चलो अब किसकी डेफिनेशन यूज करेंगे हम, यहां पर परिभाषा यूज करेंगे वैद्युत व्यूह की। तो वैद्युत व्यूह की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से, हमने वैद्युत विभव को कैसे परिभाषित किया है, तो सिंपल सा वैद्युत विभव की डेफिनेशन हमने लिखा है कि V इज इक्वल टू दैट इज W बाय क्यू नॉट, मतलब हमने जितना कार्य किया उस क्यू नॉट आवेश को लाने में, उस कार्य को आप किससे डिवाइड कर दो, क्यू नॉट से डिवाइड कर दो। चलिए बहुत बढ़िया, तो V इज इक्वल टू देखो क्यू नॉट डिवाइड में, तो 1/Q0 को एज इट इज छोड़ दो बेटा, और यहां पे W का वैल्यू रख दो, W इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय आर। देखो यहां पे क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे को मार डाला, खलास। ओहो बहुत बढ़िया, तो V इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो यहां से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है वैद्युत विभव का, और ये वैद्युत विभव का एक्सप्रेशन जो है ये एक बिंदु आवेश के कारण है। ठीक, तो अगर एक बिंदु आवेश किसी बिंदु पर रखा हुआ है और उस बिंदु से r दूरी पर अगर आपको वैद्युत विभव निकालना है, तो वैद्युत विभव निकालने के लिए आप एक्सप्रेशन यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय r। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, v इज इक्वल टू के क्यू बाय r भी आप लिख सकते हो, k का मतलब हो गया यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इजिएस्ट वे में अगर आप लिखना चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू के क्यू बाय। याद करिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी जब हम डेरिवेशंस करेंगे तो उन सारे डेरिवेशंस में ये फॉर्मूला यूज होगा, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बिना बाकी अदर डेरिवेशंस पॉसिबल नहीं है, तो इस फॉर्मूले को आप जरूर जरूर याद करिए। एक बार याद करेंगे याद हो जाएगा के क्यू बाय आर के क्यू बाय आर के क्यू बाय आर के क्यू बाय आर, याद हो गया, फिनिश। अच्छा सर, अगर हम यहां पर क्या करते हैं नेगेटिव आवेश के कारण निकालते हैं, तो माइनस क्यू आवेश के कारण किसके लिए भाई, माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे, तो माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, के कारण विभव, देखो माइनस क्यू आवेश के कारण अगर विभव लिखेंगे तो यहां पे इस क्यू को रिप्लेस कर देंगे किससे बेटा, माइनस क्यू से रिप्लेस कर देंगे, तो इस केस में जो विभव का एक्सप्रेशन होगा वी दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय, क्या जगह बेटा v इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर हो जाएगा। तो अगर आपका आवेश धनात्मक है तो विभव भी धनात्मक होगा, अगर आवेश ऋणात्मक है तो विभव आपका ऋणात्मक होगा। इसको याद करिए और इसको गांठ बांध के कहीं नोट कर लीजिए कि धनात्मक आवेश का जो विभव होता है वो धनात्मक होता है, ऋणात्मक आवेश का जो विभव होता है बेटा वो आपका ऋणात्मक होता है। ओहो बहुत सुंदर, चलिए कुछ यहां पर ग्राफ्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं ग्राफ की बात करते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा बनेगा यहां पे, तो पहला हमारे पास एक्सप्रेशन है धनात्मक आवेश के लिए v इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि v इज प्रोपोर्शनल टू r। तो अगर हम v और r के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, r ले लेते हैं इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे, y एक्सिस पे हम v ले लेते हैं, और ग्राफ जब भी प्लॉट करेंगे, मैंने आपको बताया है कि जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनेगा तो पैराबोलिक बनेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बनता है तो वो हमेशा स्ट्रेट बनता है, तो इसका ग्राफ जो बनेगा बेटा वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से आपका ग्राफ, क्योंकि जैसे जैसे हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा।
चलिए सेकंड ऋणावेश के लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ऋणावेश के लिए वी इज इक्वल टू क्या है, माइनस का के क्यू बाय आर, माइनस का के क्यू बाय आर। देखिए यहां पे पोटेंशियल नेगेटिव में है, क्या है पोटेंशियल नेगेटिव में है, और अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं यहां पे तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, ये आर हो गया, ये आपका वी हो गया, माइनस वी हो गया यहां पे, तो जो ग्राफ बनेगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। कौन सा क्वाड्रेंट यूज करेंगे, फोर्थ, क्योंकि वी ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होता है, नीचे की तरफ लेंगे हम ग्राफ। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो भी कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा ग्राफ कि जैसे जैसे हम आर को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल आपका क्या होगा, नेगेटिव में डिक्रीज होगा। तो ये ऋणावेश के लिए है, ये धनावेश के लिए, मैं लिख देता हूं यहां पे, ये धनावेश के लिए है, धनावेश के लिए है, ठीक, और ये जो है वो आपका ऋणावेश के लिए, माइनस क्यू आवेश के लिए है, ठीक है। बहुत सिंपल सा, बहुत सुंदर सा, प्यारा सा ग्राफ है, याद करिए, कभी क्वेश्चंस ग्राफ बेस्ड भी एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, या जब लॉन्ग क्वेश्चंस पूछता है तो आपसे ग्राफ भी पूछ लिया जाता है। चलिए एक बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, न्यूमेरिकल्स लेते हैं। बहुत बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे थे फर्स्ट वीडियो में कि सर न्यूमेरिकल्स कराइए, तो देखो वन शॉट वीडियो जो है उसके अंदर हर एक टॉपिक के मैंने न्यूमेरिकल्स लिए हैं, न्यूमेरिकल्स करवाए हैं। और दूसरी चीज बेटा, अब चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स भी मैं अपलोड करने वाला हूं, है ना, हर चैप्टर्स के, आपके हर चैप्टर के, हर एक टॉपिक के, हर एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है चैनल पे अपलोड होने वाले। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए बेटा, ठीक। जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज्यादा शेयर करिए, और बताइए कि मैथमेटिक्स एनालिसिस पे फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, ठीक। हम केमिस्ट्री के टीचर्स ढूंढ रहे हैं, जैसे ही केमिस्ट्री का कोई टीचर मिलता है तो केमिस्ट्री की क्लासेस भी अवेलेबल होगा चैनल पे। तो सब कुछ चैनल पे मिले रहे, इसी चैनल पे मिलेगा, बने रहिए इसी चैनल के साथ, और अपना प्यार और सपोर्ट चैनल को देते रहिए। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्या है, एक बिंदु आवेश 5×10⁻⁷ कूलम के कारण इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। 5×10⁻⁰ कूलम आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना होगा ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको एक बिंदु आवेश दे रखा है यहां पे, एक बिंदु आवेश क्यों दे रखा है, कह रहा है इस बिंदु आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहां पे एक बिंदु है मान लेते हैं पी, और इस बिंदु पी पर विभव ज्ञात करना है आपको। इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पी पर क्या निकालना भाई, विभव निकालना। बहुत सिंपल सा, बहुत सुंदर सा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्व कैसे क्या करेंगे, तो क्यों दे रखा है आपके पास यहां पे 5×10⁻⁷ कूलम होगा बेटा, -7 कूलम होगा, ठीक है, क्योंकि आवेश का जो मान होता है वो माइनस में होता है, यहां पे -7 कूलम होगा, ठीक। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में, -7 कूलम। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव आपको ज्ञात करना है, तो दूरी यहां पे दे रखा है भाई, दूरी आर बराबर कितना 10 सेंटीमीटर। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे सबसे पहले जितने भी यूनिट्स है उनको सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई में, किसमें कन्वर्ट करेंगे भाई एसआई में, तो उसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा, है ना। तो बिंदु पी पर विभव, बिंदु पी पर विभव क्या होता है भाई, सूत्र विभव का, तो विभव का सूत्र होता है वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। अभी हमने ड्राइव किया कि वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, तो यहां पे के का वैल्यू कितना था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जिसका वैल्यू है बेटा 9×10⁻⁹, तो के का वैल्यू हम रखेंगे 9×10⁻⁹। आवेश कितना है भाई, आवेश आपका 5×10⁻⁷ ओहो बहुत बढ़िया, गजब सुंदर, लाजवाब, बेहतरीन। आ जाओ भाई आर, आर आपका है 0.1 मीटर, तो अगर हम यहां से पॉइंट को हटाए तो ऊपर एक जीरो लगा सकते हैं हम, है ना, तो 50×9 तो ये हो गया 450, कितना भाई 9×5 45 और एक जीरो यहां से आ जाए 450, 9 में से 7 घटाएंगे तो यहां पे आएगा घात 2, 9 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा, तो यहां से 2 दशमलव उठा के यहां पे ले जाना, या एक जीरो, ये जो जीरो है इसको उठा के पावर में ले जाना, तो यहां से v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 45×10⁻³ वोल्ट। ओहो बहुत सुंदर, तो इसको हम लिख सकते हैं 45 किलो वोल्ट, क्या लिख सकते भाई 45 किलो वोल्ट यहां पे विभव है। अच्छा आगे कह रहे हैं कि 5×10⁻⁹ कूलम
आवेश को अनंत से इसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना होगा, तो सेकंड केस में आपको कार्य निकालना है। ये फर्स्ट केस में आपको निकालना था विभव, सेकंड केस में आपसे पूछा कितना कार्य हमें करना पड़ेगा अगर इस आवेश को लेके आते हैं। तो आवेश का मान कितना भाई, जिस आवेश को हमने इंफिनिटी से उठाया है तो उसका मान है क्यू नॉट 5×10^-10 कूलम, है ना। तो इस बिंदु आवेश को अनंत से उठा के किसी बिंदु तक लाने में हमने कितना कार्य किया है, तो कार्य हो जाएगा जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है बेटा, कार्य जब भी विभव के टर्म्स में निकालेंगे तो विभव के टर्म्स में कार्य W इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज V इंटू क्यू नॉट। विभव की आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके पास विभव गिवन है, दिया हुआ है, तो विभव के आवेश से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। ये पहले भी हमने डिस्कस किया, वीडियो को आप रिमाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, V इज इक्वल टू 45×10^3 और Q नॉट आपका हो गया 5×10^-10, 5 की गुणा कर देना 25, 5×20, 20 और 2 22, तो यहां पे जो 22×10^10 में से 3 घटा देना बेटा माइनस का कितना जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। तो आप इसको लिख सकते हैं यहां पे 2.25×10^-5 जूल। देखिए दशमलव को पीछे से उठा के दो स्थान आगे लेके आएंगे, यहां पे है दशमलव, दशमलव उठा के हमने दो स्थान पहले लेके आए, तो पावर यहां पे क्या कर देंगे, प्लस 2 कर देंगे, तो 7 प्लस का 2 तो पावर बचेगा माइनस का 5, ठीक। तो बेसिक बेसिक थोड़ी सी कैलकुलेशंस बेटा आपको आनी चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशंस आता है तो न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं है, हलवा है, बस खाते रहो और मौज मारते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कह रहे एक बिंदु आवेश से 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10^5 न्यूटन/कूलम है, इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। कह रहे आपके पास एक बिंदु आवेश है, यहां पर यह एक बिंदु आवेश है, मान लेते हैं क्यू, है ना, और इस बिंदु आवेश से r दूरी पर यहां पे एक बिंदु है, इस बिंदु p पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र में दे रखा है 10^5 न्यूटन/कूलम। तो कह रहे इस बिंदु पर विभव का मान कितना होगा, बहुत सुंदर सा प्यारा सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, वैद्युत विभव निकालना है। ओहो सुंदर, तो देखिए बिंदु आवेश के कारण हम विभव और बिंदु आवेश के कारण विभव और वैद्युत क्षेत्र के सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या होता है, तो बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था बेटा क्या होता है, E इज इक्वल टू KQ/R2। क्या होता है सूत्र बेटा, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का सूत्र होता है KQ/R2। अच्छा, वैद्युत विभव का फॉर्मूला क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, तो वैद्युत विभव होता है V इज इक्वल टू KQ/R। अभी हमने ड्राइव किया, ये हो गया समीकरण एक, ये हो गया बेटा आपका समीकरण नंबर दो। दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखो वी बाई ई, तो पहले ऊपर V का वैल्यू रख देना KQ/R, नीचे E का वैल्यू रख देना KQ/R2। देखो KQ से KQ कैंसिल, खलास, R से R कट गया, नीचे R बचेगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये ऊपर जाएगा R/1 हो जाएगा ये, तो यहां से V हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू E×R। तो E क्या है बेटा, यहां पे वैद्युत क्षेत्र कितना है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10^5, और R कितना है, 0.1 एंगस्ट्रॉम है। यहां पे लिख देता हूं, मैं यहां पे लिख लेता हूं, दूरी R बराबर 0.1 एंगस्ट्रॉम। देखो एंगस्ट्रॉम को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, एंगस्ट्रॉम को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख के बताओ एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है मीटर में। तो एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 10^-10 मीटर से, तो यहां से एक दशमलव उड़ा दो, पावर यहां पे -1 कर दो, तो इसको ओवरऑल आप लिख सकते हैं यहां पे 10^-11 मीटर। क्या लिख सकते हैं, 10^-11 मीटर, यहां पे रख देना आर का वैल्यू 10^-11, तो 10^-11 प्लस का 5, तो यह जो है 10^5
5 माइनस का 11 तो बचेगा 10 की घात माइनस का 6 वोल्ट। कितना? 10 की घात माइनस 6 वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने सिंपली आवेश का, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव का फॉर्मूला यूज किया, और हमने फिर विभव को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर दिया, डिवाइड करके हमने एक रिलेशन निकाल लिया वैद्युत विभव और वैद्युत क्षेत्र में। ये एक रिलेशन है कि V इज इक्वल टू E इंटू R। बाकी जो क्वेश्चन होंगे अगर इसी पे बेस्ड होंगे तो डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। कितना विभव आया बिंदु पी पर? 10 की घात माइनस 6 वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलम आवेश के कारण इससे 9 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए। देखो ये यूएसईबी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, आरएसईबी मतलब राजस्थान बोर्ड में ये 2015 में भी आया है, बिहार बोर्ड में भी आया और राजस्थान बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है, 2015 में आया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको जस्ट फॉर्मूला यूज करना है वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। वी इज इक्वल टू के क्यू बाय आर, के का वैल्यू आपके पास दे रखा है, सॉरी के आपका 9 × 10⁻⁹ होता है, क्यू आपके पास दे रखा है ये, और यहां पे आपका आर जो दे रखा है वो 9 गुणा 10 की घात माइनस 2 है। वैल्यू रिप्लेस करना, आंसर निकालना, जो भी आंसर आएगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा, होमवर्क में क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन करिएगा, जो भी आंसर आता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं देखता हूँ कितने बच्चे सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, सीरियस होकर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं और फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, 70 out of 70 या 65 एटलीस्ट कम से कम आप ले ही आओगे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे और रेगुलर हमारे साथ क्लास अटेंड करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक डेरिवेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, विभव प्रमणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है। क्या संबंध होता है भाई, क्या संबंध होता है? तो यहां पे संबंध हम निकालेंगे विभव प्रमणता। सबसे पहले विभव प्रमणता क्या होता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे बोलते हैं हम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। तो वैद्युत विभव की सबसे पहले यहां पर परिभाषा लिख दे, सॉरी वैद्युत विभव की नहीं, क्या हो गया, हाँ ठीक है, देखो विभव प्रमणता क्या होता है, विभव प्रवणता, देखो प्रवणता वर्ड कब यूज किया जाता है, ग्रेडियंट वर्ड कब यूज किया जाता है, तो प्रवणता वर्ड यूज करते हैं अगर कोई भी भौतिक राशि अगर दूरी के सापेक्ष परिवर्तित होता है, अगर वो दूरी के सापेक्ष परिवर्तित होता है तो उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है प्रवणता। फिजिक्स में एक वर्ड यूज करते हैं हम रेट, दर। तो अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी भौतिक राशि अगर समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं बेटा दर, है ना। जैसे वेग परिवर्तन की दर, या विस्थापन परिवर्तन की दर, या संवेग परिवर्तन की दर। तो कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको भौतिक राशि हम बोलते हैं, तो कोई भी भौतिक राशि अगर समय के साथ परिवर्तित हो रहा है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दर। अगर कोई भी भौतिक राशि दूरी के सापेक्ष परिवर्तित हो रहा है, तो दूरी के सापेक्ष अगर कोई भी भौतिक राशि परिवर्तित होता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं विभव प्रवणता। और यहां पे विभव जो है वो दूरी के साथ क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो दूरी के सापेक्ष, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर, विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं, को विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई कि विभव प्रवणता क्या होता है, तो क्या होता है, तो विभव प्रवणता दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को ही हम सिंपली क्या बोलते हैं बेटा, विभव प्रवणता कहते हैं। और इसको लिखा जाता है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता बराबर लिखा जाता है इसको डीवी ओवर डीएक्स। क्या लिखा जाएगा, डीवी ओवर डीएक्स लिखा जाएगा, या वी अपॉन आर लिखा जाएगा, या वी अपॉन एक्स लिखा जाएगा, या वी अपॉन पाई लिखा जाएगा। मतलब वी को अगर किसी भी डिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम बोलेंगे विभव प्रवणता। वी अपॉन एल भी लिखा जाता है, है ना, जो जैसे सिचुएशंस होता है, जो जैसा कंडीशंस बनता है उसी कंडीशंस के हिसाब से
लिखा जाता है बिहेवियर परिवर्तन को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डीवी ओवर डीएक्स। ठीक, अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो इसका मात्रक होता है बेटा, इसका मात्रक यहाँ पे होगा बिहेवियर का होता है वोल्ट और दूरी का होगा मीटर, तो इसका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर। ठीक, सुनो, अब हम ड्राइव करते हैं बिहेवियर परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र में, सॉरी क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है। तो यहाँ पे हम संबंध को डिफाइन करते हैं, उसको ड्राइव करते हैं। संबंध क्या है भाई, देखो संबंध है तो मान लेते सबसे पहले हमारे पास एक क्या है भाई, एक वैद्युत क्षेत्र है। यहां पे हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, ये एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक, और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर मान लेते हैं हमारे पास दो बिंदु है, हमारे पास क्या है दो बिंदु है, मान लेते हैं एक बिंदु है यहां पे ए और इसे कुछ दूरी पर यहां पे एक बिंदु है बी, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है मान लेते कितना बेटा डी एक्स है। इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी कितना है, हम मान लेते हैं डी एक्स है ए और बी के बीच की दूरी। ओहो बहुत सुंदर, देखो इस बिंदु ए पर एक सॉरी बी पर एक आवेश रखा हुआ है, मान लेते कितना रखा हुआ है क्यू नॉट आवेश रखा हुआ है, कहां पर रखा है बिंदु बी पर रखा हुआ है। ओहो बहुत सुंदर, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। अच्छा, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये भी आ जाएगा यहाँ पे, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई आवेश रखा होता है तो विद्युत क्षेत्र उस आवेश पे क्या करता है, बल लगाता है। अगर वो धनावेश है तो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, अगर वो आवेश ऋणावेश है तो बल ऋणावेश पे विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो यहां पर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा एफ, बल कहां लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, और इस बल के विपरीत दिशा में इस आवेश को बी से उठा के हम कहां पे लेके आते हैं बेटा ए पर लेके आते हैं। तो इसका विस्थापन किस दिशा में होगा, इस बल के विपरीत दिशा में होगा। तो बल और विस्थापन इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो यहां पर जो कोण बनेगा थीटा वो कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा 180 डिग्री बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। ओहो बहुत बढ़िया, तो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू नॉट आवेश पर, आवेश पर बल कितना, तो इसका बल एफ इज इक्वल टू दैट इज क्यू नॉट इंटू ई। अच्छा, इस बल के द्वारा इस आवेश को बी से उठा के ए पे लेकर आए, हमने कितना वर्क किया, तो आवेश क्यू नॉट को, आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से ए तक लाने में, ए तक लाने में, लाने में किया गया कार्य, हमने कितना कार्य किया, तो हमने यहां पे कार्य किया W इज इक्वल टू एफ डॉट डीएक्स, वर्क W इज इक्वल टू एफ डॉट डीएक्स, बल गुणा विस्थापन। अच्छा, एफ डॉट डीएक्स, तो उसको हम लिखेंगे क्या बेटा, एफ डी एक्स कॉस थीटा, और थीटा यहां पे कितना है बेटा 180 डिग्री है, क्योंकि कोण कितना है यहां पे 180 डिग्री है, विस्थापन और बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। ठीक है, अच्छा कॉस 180 का वैल्यू कितना, -1 होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, तो कॉस 180 -1, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। अच्छा, बल एफ इज इक्वल टू क्या है यहां पे, देखो बल F इज इक्वल टू यहां पे आपके पास है F इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू E, तो यहां से बल का वैल्यू उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो बल सब्स्टिट्यूट करेंगे तो W इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस का क्यू नॉट इंटू E इंटू dx। ठीक है, अच्छा इन दोनों बिंदुओं के बीच विभांतर कितना होगा, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच अगर विभांतर की बात करें तो बिंदु A और B के बीच विभांतर, या ऐसे लिख देते हैं दोनों बिंदुओं के बीच विभांतर, इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभांतर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा डेल्टा वी से या डीवी से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि छोटा सा डिफरेंस है तो इस छोटे से डिफरेंस को हम डीवी से रिप्रेजेंट कर लेंगे, या डेल्टा से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वी से भी आप रिप्रेजेंट कर, तो आपकी चॉइस है, बट यहां पे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डीवी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो डीवी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, क्या होगा भाई कि इस क्यू नॉट आवेश को बी से ए तक ले जाने में हमने कितना कार्य किया है, उस कार्य को किससे
भाग दे देंगे, क्यू नॉट से भाग दे देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, विद्युत विभवांतर मिलेगा। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, डब्ल्यू का वैल्यू यहां से रिप्लेस कर देना, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। तो ये आपका जाएगा माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। देखो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल का लास्ट। ओह बहुत बढ़िया, तो डी बी इज इक्वल टू क्या मिला हमें, तो डी बी इज इक्वल टू मिला माइनस ई इंटू डी एक्स। तो अगर हम यहां से ई लिखते हैं तो ई इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर क्या हो जाएगा बेटा, डी एक्स हो जाएगा। देखो इसे डी एक्स को उसके डिवाइड में लिख देना, तो डी बी ओवर डी एक्स हो जाएगा और नेगेटिव साइन यहां पे आ जाएगा। ठीक, तो ई इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारा, तो ई इज इक्वल टू हो जाएगा यहां पे एक्सप्रेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई इज इक्वल टू माइनस डी बी ओवर डी एक्स। क्लियर है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सा डेरिवेशन है और सिंपल सा डेरिवेशन है। सबसे पहले हमने फोर्स कैलकुलेट कर लेना है। फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू नॉट इंटू ई, ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। देखिएगा, देखो छोटे छोटे फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज है, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट उसको याद रखते हैं ना, तो फिजिक्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। तो एक छोटे छोटे जो डेरिवेशन है, छोटे छोटे जो आपके क्या कहते हैं फॉर्मूलाज है, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है उसको याद करने की कोशिश कीजिए, बार बार टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए तो याद होता रहेगा आपको। ठीक, तो हमने बल का फॉर्मूला लिखा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, इस बल के द्वारा हमने कितना कार्य किया, हमने वो निकाला, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, और एफ डॉट डी एक्स दैट इज एफ डी एक्स कॉस थीटा, कॉस 180 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे, कॉस 180 का वैल्यू माइनस वन होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ का वैल्यू यहाँ से रख देंगे क्यू नॉट इंटू ई, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डी एक्स। और फिर हमने विभवांतर की परिभाषा से हमने इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात किया, तो विभवांतर dv इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट, यहां से w का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा e इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dx। क्लियर है, देखो इस इक्वेशंस को, इस फॉर्मूला को और भी तरीके से हम लिख सकते हैं, यहां पे कौन कौन सा तरीका होगा इसको लिखने का, तो यहां पे हम बात कर लेते हैं उसके, है ना। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः e बराबर, अतः E बराबर हम इसको डेल्टा V बाय डेल्टा X भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू V बाय D भी लिख सकते हैं। ठीक, इस फॉर्मूले को हम E इज इक्वल टू V बाय L भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, D दूरी है, L लंबाई है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये माइनस नेगेटिव में, हाँ ये माइनस में लिखना आप इसको, हम इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R भी लिख सकते हैं इसको, हम ऐसे भी लिखेंगे। ठीक, तो कुल मिला के जो विभवांतर है या विभव को, उसी को किससे डिवाइड करना, आप डिस्टेंस से डिवाइड कर दो, आप लेंथ से डिवाइड कर दो, है ना, आप विस्थापन से डिवाइड कर दो, किसी से भी डिवाइड कर दो, वो हमेशा किसके इक्वल होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल होगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और विभव प्रवणता में क्या है, संबंध है। क्लियर है, चलिए थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं इसमें। देखो थ्री डी में, थ्री डायमेंशन में, किसमें बात करते हैं हम, थ्री डायमेंशन की बात करते हैं। तो थ्री डायमेंशन में, थ्री डी में जब एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखा जाएगा, किसके टर्म्स में लिखा जाएगा बेटा, एक्स वाई जेड के टर्म्स में लिखा जाएगा, तो उस केस में इसी फॉर्मूले को हम लिखेंगे, ई इज इक्वल टू लिखा जाएगा माइनस ब्रैकेट डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप, क्या लिखा जाएगा, डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी ओवर डेल वाई सॉरी डेल जेड के कैप। ठीक है, तो 3D में जब, थ्री डायमेंशन में जब x, y, z कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन होगा, x वैल्यू दे रखा, v वैल्यू, x वैल्यू दे रखा, y वैल्यू दे रखा और z का वैल्यू दे रखा होगा, थ्री डायमेंशन में जब भी आपके पास पोटेंशियल गिवन होगा और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल टू दैट इज माइनस ब्रैकेट के बाहर डेल वी ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी ओवर डेल जेड। कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे डेल वी ओवर डेल एक्स, यहां पे जो डेल वी ओवर डेल एक्स लिखा हमने बेटा, या डेल वी ओवर डेल वाई लिखा हमने, या डेल वी ओवर डेल जेड हमने लिखा बेटा, इसको हम बोलते हैं आंशिक समाकलन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम आंशिक समाकलन, आंशिक समाकलन इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन।
सॉरी समाकलन नहीं, सॉरी अवकलन, समाकलन या अवकलन, ठीक, इसको बोला जाता है आंशिक अवकलन। अवकलन का मतलब डिफरेंशिएशन। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। कैसे किया जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन? तो पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, अगर x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में करो भाई, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y और z आपका कांस्टेंट होगा, नोट करिए आप, है ना। जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z कांस्टेंट होगा, जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट होगा, और जब आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपका x और y कांस्टेंट होगा, ठीक। जब भी इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आपका पोटेंशियल का इक्वेशन आपके पास गिवन होगा, और पोटेंशियल का जो भी इक्वेशन x बाय z के टर्म्स में दे रखा होगा, सबसे पहले उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएट करने का रूल्स मैंने आपको बता दिया है, दोबारा बताता हूं, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो y और z कांस्टेंट होगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो x और z कांस्टेंट होगा, अगर z के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो x और y आपका क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा, ठीक, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम यहां पे बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट, ये जेड कंपोनेंट है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। सो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल एक्स, ई वाई इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, और ई जेड इज इक्वल टू दैट इज डेल वी ओवर डेल जेड। तो ये आप इसको भी याद कर सकते हो, ठीक। अगर आपसे कहे कंपोनेंट्स निकालो, एक्स कंपोनेंट क्या होगा, वाई कंपोनेंट क्या होगा, जेड कंपोनेंट क्या होगा वैद्युत क्षेत्र का, तो आप कंपोनेंट निकालने के लिए ये टर्म्स यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ये यूज कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स इस टॉपिक पे भी बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ढेरों सारे कॉन्सेप्ट इसमें बनते हैं, नोट करिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया। उदाहरण हमारे पास है कि x अक्ष के अनुदेश क्षेत्र में वैद्युत विभव Vx दूरी x मीटर में के साथ संबंध दे रखा है, Vx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर पर निर्भर करता है, बिंदु x इज इक्वल टू 1 मीटर पर स्थित 1 माइक्रो कूलम आवेश पर वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। किस दूरी पर कह रहे, इस क्षेत्र में x इज इक्वल टू 1 मीटर की दूरी पर आपके पास एक बिंदु आवेश है जिसका मान कितना है 1 माइक्रो कूलम है, उस विद्युत आवेश पर आपको वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या दे रखा है, विभव दे रखा है V। देखो कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहां पे। देखो तो सबसे पहले विभव आपके पास गिवन है, विभव V इज इक्वल टू 4x का स्क्वायर। देखो पोटेंशियल यहां पे x का फंक्शन है, किसका फंक्शन है बेटा, x का फंक्शन है। अगर ये x का फंक्शन है तो उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसको डिफरेंशिएट कर देना x के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। देखो x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो जो dv ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx 4x का स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4 तो है बेटा कॉन्स्टेंट, x स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होगा ये होगा आपका 2x, पावर आगे आ जाएगा, पावर एक माइनस कर देंगे तो ये x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका 2x, तो 2 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 8x। अच्छा x इज इक्वल टू कितना है 1, x इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास यहां पे, x इज इक्वल टू आपके पास है 1, तो x का वैल्यू यहां पे रख देंगे 1, तो x का वैल्यू 1 रख देंगे तो dv ओवर dx क्या आ जाएगा, तो dv ओवर dx यहां पे आ जाएगा बेटा 8 * 1 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 8 वोल्ट पर मीटर। तो विभव प्रवणता कितना हो गया, dv ओवर dx का मान कितना हो गया 8 वोल्ट पर मीटर हो गया। अच्छा वैद्युत क्षेत्र कितना होगा इस रीजन में, तो वैद्युत क्षेत्र E बराबर हो जाएगा बेटा माइनस dv ओवर dx, जो कि अभी हमने रिलेशंस ड्राइव किया था कि जो E होता है वो माइनस dv ओवर dx के बराबर होता है, तो यहां पे dv ओवर dx कितना 8 है, तो E का मान कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 8 वोल्ट पर मीटर, ठीक। अब कह रहे हैं कि अगर इस विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर एक आवेश रखा हुआ है कितना, तो आवेश यहां पे रखा है भाई, आवेश कितना रखा हुआ है, तो आवेश क्यू बराबर रखा है 1 माइक्रो कूलम। अगर 1 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है तो उस पर कितना बल लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई आवेश रखा होता है, कि मान लो यहां पर आपका एक विद्युत क्षेत्र है
और इस विद्युत क्षेत्र ई के अंदर अगर एक आपका आवेश रखा हुआ है तो इस आवेश पे एक बल लगता है एफ, दैट इज क्यू इंटू ई। तो विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेश पे क्या लगाता है बेटा, बल लगाता है। कितना बल लगाएगा तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई के बराबर ये बल आरोपित करेगा। तो क्यू इज इक्वल सॉरी बल तो आवेश क्यू पर बल, तो आवेश क्यू पर बल कितना लगेगा तो एफ इज इक्वल टू दैट इज क्यू इंटू ई, F is equal to Q into E, तो F is equal to बेटा Q कितना 1 माइक्रो कूलम, तो 1 माइक्रो कूलम होता है बेटा 10 की घात माइनस 6 कूलम, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 की घात माइनस 6 और E हो जाएगा बेटा माइनस का 8, तो ये आपका बल हो जाएगा माइनस का 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन। ठीक, तो उस आवेश पर कितना बल लगेगा, वो कितना बल अनुभव करेगा, तो बल अनुभव करेगा माइनस का 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन बल जो है ये अनुभव करेगा अगर इसको इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा जाए। नोट करिए इसको जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेते हैं, चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दे रहे हैं हमारे पास। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है बेटा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो में 1000 लाइक का टारगेट है, जैसे आप 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर देते वीडियो पे, आपको नेक्स्ट चैप्टर का जो है वो वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। तो जल्दी से इस टारगेट को कंप्लीट कीजिए 1000 लाइक का। और आपको वीडियो कैसा लगा है जो भी आपके सजेशंस होगा आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में पूछा गया, यूपी बोर्ड 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है ना, तो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। क्या है क्वेश्चन भाई, कह रहे चित्र 3.9 के अनुसार दो प्लेटों ए तथा बी परस्पर 2 mm की दूरी पर रखी हैं। प्लेट ए का विभव 10,000 वोल्ट है, प्लेट बी पृथ्वी से संपर्कित है, मतलब प्लेट बी को हमने अर्थ के साथ कनेक्ट कर रखा है। इन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। कह रही ये दो प्लेटें हैं, एक तो प्लेट ये है आपका ए और एक प्लेट आपका बी, थोड़ा सा डायग्राम जो है ब्लर हो रखा है। ठीक, और इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है बेटा, ये दूरी है आपका 2 mm। कितनी दूरी है भाई, 2 mm की दूरी है। ठीक, और ये जो प्लेट है इस पे एक प्लस का 10,000 वोल्ट का एक पोटेंशियल है। ठीक, और जो प्लेट बी है इसको हमने ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो याद रखिए कि बेटा ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है, तो इस प्लेट बी प्लेट का जो पोटेंशियल है ये होगा 0 वोल्ट। तो किसी भी प्लेट को अगर हम ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे तो उस ग्राउंड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है, याद रखिए। तो इस बी प्लेट का पोटेंशियल 0 है, ए प्लेट का पोटेंशियल कितना है बेटा 10,000 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, विभवांतर कितना होगा, तो इन दोनों प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होगा ये 10,000 माइनस 0 होगा, तो V बराबर कितना हो जाएगा 10^4 वोल्ट। 10,000 को हमने लिख लिया 10^4। ठीक, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितना है भाई, तो दूरी यहां पे R बराबर है 2 mm, तो 2 mm को मीटर में लिखेंगे तो 10^-3 m, 1 mm बराबर होता है 10^-3 m। ठीक, तो 2 mm तो 2×10^-3 m हो जाएगा। ओह, हमसे पूछा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे पास एक रिलेशन आया था, इस रिलेशन को हम किस कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो इस रिलेशन को E इज इक्वल टू वी बाई डी भी लिख सकते हैं, इसको हम E इज इक्वल टू वी बाई एल भी लिख सकते हैं, और इसी इक्वेशन को हम E इज इक्वल टू वी बाई आर भी लिख सकते हैं माइनस में। ठीक, तो यहां पर इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बेटा यहां पे हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E बराबर क्या लिखेंगे बेटा माइनस का V बाय आर, तो E इज इक्वल टू माइनस V बाय आर क्या होगा, V है आपका 10^4, R कितना है बेटा 2×10^-3। ओह बहुत सुंदर,
ठीक है। देखो ऊपर 10^4, नीचे है 10^-3, ये घात ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे बेटा 10 × 10^3 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो जब प्लस का 3/2, 2 से 10 को काटेंगे तो ये हो जाएगा यहां से बेटा 5 × 10^6, माइनस साइन यहां पे ले लेंगे आप, तो माइनस 5 × 10^6 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब न्यूटन पर कूलम में भी लिख सकते हैं आंसर और वोल्ट पर मीटर पे भी आंसर लिख सकते हैं, हम दोनों यूनिट यूज कर सकते हैं, जो आपकी चॉइस है, न्यूटन पर कूलम लिखिए या वोल्ट पर मीटर लिखिए, वो आपकी चॉइस है। अच्छा सर एक चीज यहां पे आपने बताया नहीं, ये जो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, इस फॉर्मूले में एक ऋणात्मक चिन्ह आया था, ये ऋणात्मक चिन्ह क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो ऋणात्मक साइन है, ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? तो इसमें जो माइनस साइन इंडिकेट करता है, माइनस साइन जो होता है यहां पे ऋणात्मक चिन्ह ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। ठीक, जो माइनस साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, कि वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, निम्न विभव की ओर होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है सदैव उच्च विभव से किसकी तरफ होता है बेटा? निम्न विभव की तरफ होता है। मतलब सर, तो हमने कहा लेट्स से कि यहां पे एक बिंदु है ए और ये है 10 वोल्ट पर, और यहां पे एक बिंदु है बी, मान लेते ये बिंदु बी 5 वोल्ट पर है ना, ए बिंदु 10 वोल्ट पर है, बी बिंदु 5 वोल्ट पर है, तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र किस दिशा में होगा? तो हमने कहा उच्च विभव पे कौन है? उच्च विभव पर है ए, निम्न विभव पर कौन है? बी है, तो वैद्युत क्षेत्र ए से बी की तरफ होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो ए से किसकी तरफ होगा बेटा? बी की तरफ होगा। तो याद रखिए इस सूत्र में जो नेगेटिव साइन होता है वो नेगेटिव साइन वैद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करता है, और वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो सदैव उच्च विभव से किसकी तरफ होता है? निम्न विभव की तरफ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक या क्वेश्चंस क्या है। तो हमारे यहां पे नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना वैद्युत विभव होगा, उस वैद्युत विभव को हम कैलकुलेट करेंगे। ओहो बहुत सुंदर, बहुत गजब, लाजवाब, बेहतरीन, चलिए भैया। ओहो देखिए वैद्युत विभव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब वैद्युत विभव हम ज्ञात करेंगे तो वैद्युत विभव दो बिंदु पर निकालेंगे, एक अक्षीय स्थिति पर निकालेंगे और एक निकालेंगे हम निरक्षीय स्थिति पर। एक निकालेंगे हम अक्षीय स्थिति पर, दूसरा हम किस में निकालेंगे बेटा? निरक्षीय स्थिति पर निकालेंगे। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति आपको पता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर में अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र हम ज्ञात कर चुके हैं। तो अगर कोई भी बिंदु द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित होता है तो उसको हम अक्षीय स्थिति बोलते हैं। अगर कोई भी बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अगर एक अभिलंब रेखा खींचते हैं और उस अभिलंब रेखा पर अगर स्थित होता है तो उस बिंदु को हम बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। तो सबसे पहले हम यहां पे निकालते हैं अक्षीय स्थिति पे, तो हेडिंग डालेंगे हम अक्षीय स्थिति पर। क्या डालेंगे हेडिंग? हेडिंग डालेंगे यहां पे अक्षीय स्थिति पर। इंग्लिश में इस पॉइंट को बोला जाता है एक्सियल पॉइंट। क्या बोला जाता है भाई? एक्सियल पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए तो मान लेते हैं हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, मानना पड़ेगा भाई, बिना माने तो हम कर नहीं सकते। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहां पे प्लस का क्यू आवेश है और यहां पे आपका माइनस का क्यू आवेश है। ठीक, और एक दूसरे से 2L डिस्टेंस पर ये स्थित है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है बेटा ये कितना है? ये 2L या 2A कुछ भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है,
टू ए बी ले सकते हैं, टू आर बी ले सकते हैं, टू एल बी ले सकते हैं, डजंट मैटर। देखिए ये इसका मध्य बिंदु है, इसको नेम दे देते ए बिंदु और इसको नेम दे देते हम बी बिंदु, ठीक। और इसे द्विध्रुव के अक्ष पर, इसी को अगर हम आगे थोड़ा सा क्या करते हैं बेटा, एक्सटेंड करते हैं, तो इसी अक्ष पर मान लेते हैं एक बिंदु है पी, और इस बिंदु पी पर आपको वैद्युत द्विध्रुव की वजह से विभव ज्ञात करना है, ठीक। और मान लेते हैं कि जो बिंदु पी है वो इसके केंद्र से आर दूरी पर स्थित है। इसके केंद्र से इसकी दूरी कितना भाई, आर है। अगर इसके केंद्र से इसकी दूरी आर है तो इस बिंदु पी से, सॉरी बी से पी की जो दूरी बचेगा भाई, ये बचेगा आर माइनस एल, क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस कितना आर है, तो ये डिस्टेंस आपका एल हो जाएगा और ओ से ए तक का डिस्टेंस आपका एल हो जाएगा। तो अगर हम बी से पी के डिस्टेंस निकालेंगे तो पी से बी तक का जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आपका आर माइनस एल। सेम माइनस क्यू, मतलब ए से इसकी जो दूरी है ये दूरी आपका जाएगा आर प्लस एल, क्या जाएगा भाई आर प्लस एल, क्योंकि इसके केंद्र से पी तक की दूरी हो गया आर और यहां से ए तक का दूरी हो गया आपका एल, तो आर प्लस एल टोटल डिस्टेंस हो जाएगा पी तक का, ठीक। देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे एक विभव बनेगा, मान लेते कितना वी वन, और इस नेगेटिव आवेश के कारण भी यहां पे एक विभव बनेगा कितना वी टू। तो यहां पे इस बिंदु पी पर जो कुल विभव होगा वो आपका वी वन प्लस वी टू होगा, क्या होगा भाई वी वन प्लस वी टू। तो उसके लिए मान लेते हैं, माना सबसे पहले यहां पे हम मान लेते हैं, माना एओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू एल, ओ से पी की जो डिस्टेंस है ये कंसीडर कर लेते हैं हम आर, तो यहां पे ए से पी तक की जो दूरी है ये आपका जा आर प्लस एल, और बी से पी तक की जो दूरी है ये आपका जा आर माइनस एल। आर माइनस एल शॉर्ट में कर देता हूं, जल्दी से समझिएगा कि बिंदु पी पर नेट विभव बिंदु पी पर नेट विभव कितना होगा, तो बिंदु पी पर नेट मतलब कुल कितना वी वन प्लस वी टू, तो विभव वी इज इक्वल टू ये आपका जगह वी वन प्लस वी टू। ओहो बहुत सुंदर, देखिए वी वन जो विभव है वो प्लस क्यू आवेश का है, तो इस प्लस क्यू आवेश की वजह से बिंदु पी पर विभव कितना होगा, तो वी वन आपका जाएगा आपका के क्यू बाय आर, आर का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस पॉजिटिव चार्ज है पी का, जो डिस्टेंस ये है आपका आर माइनस एल, तो यहां पे हम ले लेंगे आर माइनस एल। अच्छा वी टू क्या है, वी टू है इस माइनस आवेश का विभव है बिंदु पी पर, तो माइनस आवेश की वजह से बिंदु पी पर विभव कितना बनेगा वी टू, तो वी टू आपका हो जाएगा प्लस के माइनस क्यू बटा, देखो इस माइनस आवेश से इस बिंदु P का जो डिस्टेंस है वो आपका है R प्लस L, तो यहां पे डिस्टेंस आप ले लेंगे R प्लस L, ठीक है क्लियर है। तो क्योंकि बिंदु आवेश की वजह से जो विभव का फॉर्मूला होता है, तो बिंदु आवेश के कारण विभव होता है के क्यू बाई आर, आर का मतलब हो गया दूरी, तो यहां पे हम सबसे पहले देख लेंगे कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी आर माइनस एल है, और इस माइनस क्यू आवेश से P तक की जो दूरी है वो आपका R प्लस L हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और हम क्या करेंगे इसमें से कॉमन ले लेंगे, देखो KQ कॉमन आ रहा है तो इसमें से आप कॉमन निकाल लो KQ, तो ये आपका जो KQ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा 1 बाय R माइनस L माइनस 1 बाय R प्लस L, ठीक है। यहाँ पे माइनस प्लस आपका माइनस आ जाएगा, यहाँ पे बचा आपका R माइनस L, यहाँ पे बचा आपका R प्लस L। ओह बहुत सुंदर, गजब। देखिए यहां पे एलसीएम लेंगे तो इसका अदर मल्टीप्लाई, इसका अदर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका जो के क्यू, देखो आर प्लस एल का इस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका जो आर प्लस एल, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इस माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा, तो माइनस का आर प्लस का एल बटा आर माइनस एल, और यह आपका जाएगा आर प्लस एल। तो हमने यहां पर एलसीएम ले लिया, आर प्लस एल का हमने इस वन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, आर माइनस एल का इस वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का इससे गुणा कर देंगे तो ये आपका जो माइनस का आर प्लस का एल। अच्छा अब इन दोनों के नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर माइनस एल आर प्लस एल, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा है बेटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी आइडेंटिटी का हमने यहाँ पे उपयोग करना है, यूज करना है, क्या आ जाएगा भाई, तो ये आपका जो इसी के आगे लिख देता हूं मैं के क्यू, देखो ऊपर R से R कैंसिल हो जाएगा और L प्लस L बचेगा तो L प्लस L हो जाएगा आपका 2L,
तो यह आ जाएगा आपका 2L, नीचे आपका जाएगा R माइनस एल आर प्लस एल, आर माइनस एल आर प्लस एल, तो यह आ जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज में लिख लेते इसको, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है हमारे पास। तो V इज इक्वल टू, हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, V इज इक्वल टू वॉट, V इज इक्वल टू के क्यू इंटू टू एल और डिवाइडेड बाय आपका आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमने परिभाषित किया था चैप्टर फर्स्ट में, तो द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, P, और P बराबर होता है Q इंटू टू एल, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है Q इंटू टू एल। तो यहां पे जो Q इंटू टू एल ऊपर है, इस Q इंटू टू एल की जगह क्या ले लेंगे बेटा, P ले लेंगे, तो V इज इक्वल टू आपका जो के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो यहां से विभव का क्या आता है, एक एक्सप्रेशन आ जाता है। इसको नोट करिए कि अगर वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर अगर विभव निकाल दें, तो अक्षीय स्थिति पर विभव का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ओह बहुत सुंदर। देखिए यहां पे कंडीशंस लगाते हैं, एक शर्त यहां पे लगाते हैं कि यदि आर जो दूरी है ये बहुत ज्यादा है एल से, आर जो है द्विध्रुव के केंद्र से उस बिंदु पी की जो दूरी है ये बहुत ज्यादा है किससे, एल से, तो क्या होगा भाई, तो आर स्क्वायर का मान ये बहुत बहुत ज्यादा हो जाएगा एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर को क्या कर देंगे बेटा, यहां पे हम नेगलेक्ट कर देंगे, नीचे से एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, हम नेगलेक्ट करेंगे, तो नीचे से एल स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे, तो पोटेंशियल वी इज इक्वल टू आपका एक्सप्रेशन बनेगा के पी बाय आर स्क्वायर। तो यहां पे एक और फॉर्मूला आ गया, V इज इक्वल टू के पी बाय आर स्क्वायर, दोनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे अलग अलग सिचुएशन में। अगर L और R लगभग इक्वल दे रखा है, मान लेते हैं 2L का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दे रखा है और आपसे केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव निकालना, तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लेते हैं दो आवेशों के बीच की दूरी, मतलब द्विध्रुव की जो लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है और उसके केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर या 1 मीटर की दूरी पर आपको वैद्युत विभव निकालना है, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर दूरी बहुत ज्यादा दे रखा होगा लंबाई की तुलना में, तो हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर दूरी और लंबाई लगभग लगभग बराबर दे रखा है, एक 10 सेंटीमीटर दूसरा 20 सेंटीमीटर, एक 10 सेंटीमीटर दूसरा 15 सेंटीमीटर, या एक 5 सेंटीमीटर दूसरा आपका 15 सेंटीमीटर दे रखा है, लगभग लगभग बराबर दे रखा है, तो उस केस में हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे वैद्युत विभव निकालने के लिए। ठीक, अच्छा इस इक्वेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पे आर और वी के बीच में, तो ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, क्योंकि यहाँ पे v और r का जो रिलेशन है, v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r2, तो v r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जो बनेगा वो v और r का ग्राफ जो है वो एक पैराबोलिक शेप में बनेगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आता है, यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर हो रहा है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का ये हो गया हमारा फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन है एक छोटा सा, अच्छा रुकिए एक मिनट में चेक करो, अच्छा एक पॉइंट हमारा छूटता है यहां पे, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा, इसके बाद क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव, क्योंकि हमने अक्षीय स्थिति पे कैलकुलेट किया, तो अब हम निकालेंगे यहां पे निरक्षीय स्थिति पर। ठीक, निरक्षीय स्थिति के लिए तो सबसे पहले मान लेते हैं हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है, हमारे पास क्या है भाई, एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है। ओ चलिए बहुत बढ़िया, इस वैद्युत द्विध्रुव के इस एंड पे यहां पे एक प्लस का क्यू आवेश रखा है, यहां पे आपका एक माइनस का क्यू आवेश रखा हुआ है, एक साइड में प्लस का आवेश है, दूसरी साइड में माइनस का आवेश है। इस द्विध्रुव के केंद्र से, ये इसका केंद्र बिंदु हो गया मान लो, इसके केंद्र से आर दूरी पर यहां पे एक बिंदु है, ठीक है, देखो यहां से आर दूरी पर यहां पे एक बिंदु है पी, और इस बिंदु P पर आपको क्या निकालना बेटा, विभव निकालना है,
योग्य बिंदु पी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। तो इसके केंद्र से आर दूरी पर यहां पे एक बिंदु है पी, और इस बिंदु पी पर आपको विभव ज्ञात करना है। और इसके लिए इस द्विध्रुव की जो कुल लंबाई है, ये बिंदु ले लेते हैं ए, और इसको ले लेते हैं हम बिंदु बी, और इनके बीच की जो कुल दूरी दे रखा है ये कितना है बेटा, ये 2l है, इसको हम द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। और ए से ओ तक की जो दूरी हो जाएगा बेटा ये एल हो जाएगा, ओ से बी तक की दूरी एल हो जाएगा। तो ए से पी तक की जो दूरी है ये हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अगर ये एल और ये आर है तो ये दूरी हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इस बी से इसकी जो दूरी है ये भी सेम उतना ही हो जाएगा रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक। तो लिखना, अतः मान लेते हैं यहां पे कि माना ओ से पी तक की दूरी आपका आर है, ए से ओ और ओ से बी तक की दूरी आपका एल है, तो ए पी ए से पी तक की दूरी और बी से पी तक की दूरी किसके बराबर होगा बेटा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे एक पोटेंशियल बनेगा V1, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी एक पोटेंशियल बनेगा यहां पे, और इसका पोटेंशियल ले लेते कितना बेटा V2। तो इस बिंदु P पर नेट विभव कितना है, कुल विभव कितना है, तो उसका कुल विभव होगा V1 प्लस V2 हो जाएगा। ओहो बहुत सुंदर। तो बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल विभव, तो बिंदु P पर कुल विभव हो जाएगा बेटा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्या करेंगे हम, V1 प्लस V2। अच्छा V1 इस पॉजिटिव चार्ज का आवेश है, तो सॉरी विभव है, तो इस पॉजिटिव चार्ज का विभव कितना हो जाएगा भाई, तो आपका जाएगा KQ, KQ बाय पॉजिटिव चार्ज से P का जो डिस्टेंस है ये हो गया आपका रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओह बहुत सुंदर। देखिए इस नेगेटिव चार्ज की वजह से बिंदु P पर विभव कितना होगा, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉइंट P पर विभव हो जाएगा आपका K माइनस क्यू बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये के क्यू बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो आपका जो के क्यू बाय रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये आपस में क्या हो जाएगा बेटा, कैंसल आउट, ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जाएगा आपका जीरो। तो निरक्षीय स्थिति पर जो आपका वैद्युत विभव होगा वो कितना होगा, जीरो होगा। तो इस लाइन के हर एक बिंदु पर, इस निरक्षीय स्थिति के हर एक बिंदु पर जो विभव होगा वो आपका जीरो होगा। तो एक वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर विभव सदैव क्या होता है, जीरो होता है, बट यहां पे वैद्युत क्षेत्र एग्जिस्ट करता है। निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र होता है बट विभव कितना होता है बेटा, जीरो होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का डेरिवेशन किस तरीके से करना, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। जस्ट आपको यहाँ पे नेट या कुल विभव का फॉर्मूला लगाना है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 पॉजिटिव चार्ज का विभव है तो पॉजिटिव चार्ज के विभव का फॉर्मूला लगा देंगे, ये नेगेटिव चार्ज के विभव का फॉर्मूला है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का विभव लगा देंगे, और देन दोनों को क्या करेंगे आप, कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो विभव का वैल्यू हो जाएगा आपका जीरो। ओहो बहुत सुंदर। चलिए बढ़ते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे क्वेश्चंस और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो ये दोनों टॉपिक जो निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति पे हमने जो डेरिवेशन किया है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इन दोनों डेरिवेशन को बहुत अच्छे तरीके से आप तैयार कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2014 का, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है प्लस 40 माइक्रोकूलम के दो आवेश परस्पर, प्लस माइनस होगा, हाँ प्लस माइनस 40 माइक्रोकूलम आवेश, माइक्रोकूलम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर K इज इक्वल टू 2 परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, इसके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। अच्छा प्लस क्यू ही होगा, एक ही आवेश है, वैद्युत द्विध्रुव की बात नहीं कर रही है, इसके मध्य बिंदु पर विभव आपको निकालना है, दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है, यहां पे एक आवेश है प्लस का 40 माइक्रोकूलम, इसको हम नाम देते क्यू वन, यहां पे एक आवेश है क्यू टू, इसका मान भी है प्लस 40 माइक्रोकूलम, कितना है 40 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच की जो दूरी है बेटा वो कितना है, 0.4 मीटर है,
टोटल जो डिस्टेंस है ये कितना है 0.4 मीटर। क्या कह रहे हैं कि इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए, मध्य बिंदु पर, बीच में एक बिंदु होगा, ये बिंदु मान लेते ए है, ये हो गया बिंदु बी, इसके मध्य में एक बिंदु है ओ, इस बिंदु ओ पर आपको विभव ज्ञात करना है। तो देखो ए से ओ की जो दूरी है आर हो जाएगा 0.2, ओ से बी की दूरी हो जाएगा 0.2 क्योंकि मध्य बिंदु है, कुल दूरी है आपका 0.4, उसका आधा कर देंगे तो ए से ओ तक की जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 0.2, ओ से बी तक का जो डिस्टेंस हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 0.2। इस बिंदु ओ पर विभव ज्ञात करना है, तो बिंदु ओ पर कुल विभव कितना होगा, बिंदु ओ पर कुल विभव, देखो इस Q1 का एक विभव बनेगा V1 और इस Q2 का एक विभव होगा आपका V2, तो ये आपका V हो जाएगा V1 plus V2, मतलब इस बिंदु पर दो आवेशों के कारण विभव बनेगा और दोनों आवेशों के विभव को आपस में क्या कर देंगे बेटा, जोड़ देंगे, क्योंकि कुल विभव आपको यहां पे ज्ञात करना है, तो V1 plus V2। ओह बहुत बढ़िया, तो V1 आपका जाएगा बेटा K Q1 by R, क्योंकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, V2 आपका जाएगा K Q2 by R, K Q2 by R। ओह बहुत सुंदर, देखिए K by R कॉमन आ जाएगा, Q1 आपका 40 माइक्रो कूलम हो गया, Q2 आपका 40 माइक्रो कूलम हो गया, तो ये जुड़ जाएंगे आपस में, 40 और 40 जुड़ के हो जाएगा 80 माइक्रो कूलम, और K का वैल्यू हो गया बेटा यहाँ पे 9 × 10^9 बटा R हो गया 0.2 और ये आपका 80 माइक्रो कूलम, तो माइक्रो कूलम को किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, कूलम में कन्वर्ट कर देंगे, तो माइक्रो कूलम बराबर कितना होता है 10^-6 होता है, ठीक, तो ये आपको जो है 9 × 0.2 × 10^9 × 80 × 10^6 हो जाएगा −6, क्योंकि इस माइक्रो कूलम को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो माइक्रो कूलम में कितना होता है 10^-6 होता है, याद रखिएगा चीजें इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से पॉइंट हटाइए तो ऊपर जीरो लगेगा, 2 से 40 को 80 को डिवाइड कर दीजिए, कितने बार कटेगा 40 बार कटेगा, 9 × 36 120 यहां से आ जाएगा × 10^9, देखिए 9 में से 6 घटाएंगे तो घात बचेगा, यहां मैं लिख देता हूं 9 − 6, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा और ये आपका जाएगा 3600 × 10^3। आप चाहो तो यहां से डेसिमल उठा के इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3.6 × 10^6 वोल्ट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां से दशमलव उठा के आप तीन स्थान पहले लेके आते हैं तो 3 पावर यहां पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे जोड़ देंगे तो 3 और 3 कितना जाएगा पावर आपका हो जाएगा 6, तो इसका आंसर है 3.6 × 10^6 वोल्ट हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और वीडियो को देखिए, आप समझिए, छोटे छोटे नोट्स बनाइए, अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए, है ना, ये नहीं कि आप कमेंट सेक्शन में बातें करे जा रहे हैं, कोई भी आ रहा बातें कर रहे हैं, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है, आप बातें करे जा रहे हो कमेंट सेक्शन, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, आप पढ़ने आ रहे हो, आप मन लगा के पढ़िए, 2 घंटा अगर आप वीडियो देख रहे हो, 3 घंटे का वीडियो तो 2 से 3 घंटा आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके पढ़ाई में होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में क्या चल रहा है डजेंट मैटर, आपका जो पूरा फोकस है वो पढ़ाई पे होना चाहिए, अपना नोटबुक निकालिए, आप लिखिए ये सारा, ये जितना भी मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ इनको नोट करिए, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो उन पॉइंट को नोट करिए, अपना एक छोटा छोटा जो है नोट्स बनाइए और उन नोट्स के थ्रू आप अपने रिविजन करिए, डेफिनेटली आपकी जो फिजिक्स है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, आप फिजिक्स के मास्टर बन जाएंगे और फिजिक्स में लेके आएंगे 90% या 95% या 99% तक आप मार्क्स ला सकते हैं, ठीक, तो आई होप आपको ये टॉपिक और ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ गया हो।